हेलो चो सो वेरी गुड इवनिंग एवरी वन कैसे है सब लोग आई होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल सो माई डियर फ्रेंड वेलकम एवरी ऑन टू योर ओन यूट्यूब चैनल गेट वाला एम ई सी एंड एच सी माई डियर फ्रेंड वी आर डूइंग क्रैश कोर्स फॉर गेट ट्वेंटी थ्री और मेरे दोस्त हम लोगों ने कल स्ट्रेसेस इन सॉइल खत्म किया था और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं परमिएबिलिटी इन द सॉइल राइट तो जब तक मैं स्टार्ट करता हूं फटाफट मेरे दोस्त अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर है अगर आप मेरे को देख पा रहे हो तो चैट सेक्शन को लाल पीला हरा नीला कर दोगे रे बाबा यस 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 वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल सो माय डियर फ्रेंड जैसा कि मैंने बोला कि रिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और अब हम वो स्टेज पे आ चुके हैं जब हमको रिविजन फ्रीक्वेंटली करना होगा और यही रीजन है कि आज से मैं क्या करने वाला हूं कि जो भी लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा था उसके की पॉइंट्स वो हम नोट करके लाए हैं वो रिवाइज करेंगे और फिर आगे का लेक्चर बढ़ना होगा कैसा लगा ये थॉट मजा आया सर सुन के कि हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था पांच मिनट में क्विक रिवीजन होगा जो भी हमने पढ़ा था पूरा रिवाइज कर रहे होंगे और मेरे दोस्त वी आर गोइंग टू एंजॉय इट यस एकदम एकदम सो लेट्स मूव ऑन लेट्स ईट लेट्स इट क्या होता है भाई मजा आने वाला है गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग टू ऑल सो माई डियर फ्रेंड बिफोर मूविंग फॉर द परमिटिंग इन सॉइल लेट्स डू द प्रॉपर रिविजन कल हमने पढ़ा था टोटल स्ट्रेस न्यूट्रल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस तो टोटल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं किसी भी सेक्शन पे आपको निकालना है उसके ऊपर देख रहे हैं सॉइल कितना है उसके ऊपर देख रहे हैं प्रेशर कितना है देन अगर न्यूट्रल निकालना है अगर ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे है तो सॉइल कंप्रेशन की अवस्था में है तो जितना भी हाइट पे आप देख रहे हो ग्राउंड टेबल के नीचे मल्टीप्लाई विद द गामा डब्ल्यू अगर ग्राउंड टेबल के नीचे अगर कैपिलरी राइज है तो वहां पे नेगेटिव प्रेशर है पोर वाटर प्रेशर आपका नेगेटिव होता है सोयल कैपिलरिटी के कारण आपको सरफेस टेंशन के कारण

अगर सॉइल सबमर्ज स्टेट में मेरे दोस्त तो वहां पे क्या होगा अगर पानी का टेबल बढ़ेगा या कम होगा अगर पानी का टेबल बढ़ेगा या कम होगा तो टोटल स्ट्रेस और न्यूट्रल स्ट्रेस बढ़ता है लेकिन ये जो चेंज है ये सेम अमाउंट का होता है और इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई बदलाव नहीं होता है देन वी हैव सीन अबाउट द अगर पार्शियली सैचुरेटेड सॉयल है क्या मतलब है कुछ पार्ट कुछ पार्ट समर्ज कुछ पार्ट समर्ज नहीं है तो विद द द राइज ऑफ विदर टेबल विद द द राइज ऑफ विदर टेबल इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा कम होगा अगला पॉइंट हमने क्या देखा अगर कोई सरचार्ज लगा हुआ है इफ दर इज एन सरचार्ज एक्टिंग ऑन द सॉइल अगर कोई सरचार्ज लग रहा है मेरे दोस्त तो उस सरचार्ज के कारण उस सरचार्ज के कारण क्या होगा वो सारा सरचार्ज अगर आपने सडन लोड या ग्रेजुअल लोड अगर आपने लोड क्या लगाया हुआ है इट इज नॉट सडनली इट इज ग्रेजुअली ये जानबूझ के लिखा गया है सडनली नहीं है कैसा लगाया आपने ग्रेजुअली लगाया है तो ग्रेजुअल लोड सारा किस पे जाएगा वो सारा सॉइल सॉलिड पे जाएगा और थ्रू आउट क्या रहेगा यूनिफॉर्म रहेगा राइट right? अगला बात क्या कैप्यूलिटी के कारण तो कैपिलरी प्रेशर जो आपका टेंशन में पानी है कितना और और हो रहा है गामा डब्ल्यू टू राइस और मेरे दोस्त वो सारा ट्रांसफर हो रहा है टू द सोल सॉलिट जिसके कारण पार्टिकल टू पार्टिकल कॉन्टैक्ट बढ़ रहा है जिसके कारण इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है तो अगर हम पूरे पार्ट को कल का कर समराइज करें तो इतना ही पड़ा था हमने सही बात है क्या सही बात है क्या यस yes. सही बात है इतना ही पढ़ा था भाई लोग अरे बोलोगे यही पढ़ा था क्या हमने तो कैसा लगा क्विक रिविजन कैसा लगा क्विक रिविजन बढ़िया एकदम एकदम चलिए ओके ओके सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर माय डियर फ्रेंड आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर है ना

कल की डीपीपी नहीं आई डीपीपी अपलोडेड है भाई जाके चेक करो चलो तो परमिबिलिटी इज वॉट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल कैसी प्रॉपर्टी है ये वो प्रॉपर्टी है जो थ्रू द सॉइल अलाउ करती है फ्लूड्स को फ्लो करने के लिए सो इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इज परमिट्स द फ्लूड्स टू फ्लो थ्रू इट्स इंटरकनेक्टिंग कनेक्टिंग वर्ड्स जैसे मान लो ये आपका सॉलिड्स है तो भैया थ्रू द इंटर कनेक्टिंग वर्ड्स द फ्लूड इज गोइंग टू फ्लो राइट तो यही फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं यही फेनोमेना को हम बोलते हैं डीपीपी नहीं है, चलो मैं देख लूंगा इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं परमिबिलिटी दिस फेनोमेना इज एज फेनोमेनाजाइजी अब सर एक बात बताओ हमने क्या बोला फ्लो किसके थ्रू हो रहा है वॉइड्स के थ्रू हो रहा है तो यार जहां पे वॉइड साइज बड़ा होगा उससे फ्लो ज्यादा होगा या वॉइड साइज छोटा होगा उससे फ्लो ज्यादा होगा सोच के देखना जहां पे गैप बड़ा होगा उससे फ्लो ज्यादा होगा यहां जहां गैप छोटा होगा उससे फ्लो ज्यादा होगा ऑब्वियसली बात है जहां गैप बड़ा होगा फ्लो उसके थ्रू ज्यादा होगा अरे बोलोगे हाँ ना यस और गैप किसका बड़ा होता है कोर्स ग्रेन का फाइन का गैप किसका बड़ा होगा कोर्स ग्रेन फाइन ग्रेंड यस द बिगर गैप्स आर ऑब्जर्व्ड द बिगर गैप्स आर ऑब्जर्व्ड इन कोर्स ग्रेन सॉइल मतलब जितना बड़ा साइज का पार्टिकल मतलब जितना बड़ा साइज का पार्टिकल राइट उतना ज्यादा परमेबिलिटी सही बात है कि नहीं तो अगर मेरे पास ग्रेवल है सैंड है कोर्स है सिल्ट है अगर मेरे पास ग्रेवल है सैंड है कोर्स है सिल्ट है तो हम क्या बोलेंगे किसकी परमेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी अगर हम चार सौ ले रहे हैं ग्रेवल सैंड सिल्ट एंड ग्रेवल सैंड सिल्ट एंड क्ले तो सबसे ज्यादा परमेबलिटी किसकी ग्रेवल की और सबसे कम परमेबिलिटी किसकी होगी सबसे कम परमेबिलिटी किसकी होगी इज सबसे कम सबसे कम क्ले का सबसे कम होगा क्योंकि वहां पे वाइड साइज क्या होता है सबसे छोटा होता है राइट right? एकदम क्या बात है क्या बात है तो यह बात आपको डाटा के टर्म में भी दिया हुआ है डाटा के टर्म में भी यहां पे दिया हुआ है राइट अब मेरे दोस्त एंटायर परिटी कॉन्सेप्ट राइट इट एंटायर फॉलोस द डार्सी लॉ तो अब डार्सी लॉ क्या होता है पहले वो समझते हैं डार्सी लॉ क्या होता है पहले वो समझते हैं डार्सी लॉ बोलता है कि अगर फ्लो लैमिनार है और सॉइल सैचुरेटेड है क्या बोल रहे हैं मेरे दोस्त सुनना बात को ध्यान से आराम से पढ़ेंगे एक एक बात पढ़ेंगे क्या बोलता है अगर सॉइल सैचुरेटेड है सैचुरेटेड मतलब वॉइड्स में सिप ऑर्सिव क्या है सैचुरेटेड मतलब वॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ क्या है देर इज ओनली वाटर सो इफ द इज सैचुरेटेड द फ्लो इज लैमिनार लैमिनार मतलब इन वन लेयर फ्लो ठीक है डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया जिसको आप क्या बोलते हो डिज पर यूनिट एरिया क्या बोलते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अब देखो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है समझेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है समझेंगे मान लीजिए सॉयल सैंपल है, soil sample है. लेट अस से दिस इज द दॉल सैंपल राइट तो मेरे दोस्त हम क्या कर रहे हैं स्टार्टिंग में एक पॉइंट ले रहे हैं दैट इज ए और एंड में एक पॉइंट ले रहे हैं लेट अस से दैट इज बी और मेरे दोस्त हम क्या अप्लाई कर रहे हैं वी आर अप्लाइंग अ मीटर हियर वी आर अप्लाइंग अ मीटर हियर ठीक है मेरे दोस्त वी आर अप्लाइंग अ मीटर हियर तो मेरे दोस्त जब फ्लो होगा जब फ्लो होगा तो जो पानी का हेड होगा जो एनर्जी होगा वो लॉस होगा कि नहीं होगा जो पानी का हेड होगा जो एनर्जी होगा वो लॉस होगा कि नहीं होगा एकदम होगा तो मान लेते हैं मान लेते हैं कि जब आप स्टार्ट कर रहे थे जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो द हेड वॉज एच वन राइट right. और जब एंड कर रहे थे तो हेड वॉज एच टू सो माई डियर फ्रेंड जब आप मूव किए जब मूव किए आप लेंथ एल वेन यू मूव अलोंग द सॉयल वेन द वॉटर मूव अलोंग द सॉयल फॉर अ डिस्टेंस एल तो उसकी एनर्जी में कुछ नुकसान हुआ उसकी एनर्जी में कुछ नुकसान हुआ वो कितने का नुकसान हुआ वो नुकसान हुआ डेल्टा एच का और वो डेल्टा एच हम क्या बोल रहे हैं एच वन माइनस एच टू वो डेल्टा क्या बोल रहे हैं एच वन माइनस एच टू इतने ही का नुकसान हुआ है मेरे दोस्त और अगर ये नुकसान नहीं हुआ होता तो क्या फ्लो हो पाता अगर ये डिफरेंस इन हेड नहीं आता तो क्या ये फ्लो हो पाता अब सिंपल सा बात है अगर फ्रिक्शन हम बोलते हैं फ्रिक्शन मेरा रेजिस्टेंस देता है फ्रिक्शन एनर्जी का नुकसान कराता है तो लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं हो पाएगा क्या आप चल पाओगे राइट सिमिलरली अगर हेड लॉस नहीं होगा तो फ्लो पॉसिबल नहीं है इट इज लॉस दैट इज कॉजिंग द फ्लो आर यू गेटिंग द पॉइंट तो यहां पे दिस इज लॉस दैट इज कॉजिंग द फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट क्लियर है बात जब तक डिफरेंस इन हेड नहीं होगा जब तक डिफरेंस इन एनर्जी नहीं होगा फ्लो क्यों होगा वाई द फ्लो टेक्स प्लेस सिंपल सा बात है यार हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी जाना है हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी जाना है डेट वाई द फ्लो टेक्स प्लेस राइट सिंपल सा पॉइंट तो जब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिनोटेड एज आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिनोटेड एज आई तो हम क्या बोलते हैं हेड लॉस हेड लॉस ये हेड लॉस किससे थ्रू द सॉइल अपॉन लेंथ ऑफ फ्लो अपॉन लेंथ ऑफ फ्लो तो जब हम हेड लॉस बात कर रहे हैं तो हेड लॉस कितना हमको दिख रहा है डेल्टा एच एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ फ्लो दैट इज एल ये बात समझ में आया क्या तो डार्सी साहब क्या बोलते हैं कि अगर फ्लो लैमिनार है डार्सी साहब बोलते हैं कि अगर फ्लो लैमिनार है एंड द सोइल इज सैचुरेटेड देन डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया जिसको आप क्या बोलते हो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल जब हम यहां पर एरिया बात किए तो ये एरिया कौन सा एरिया है? है. है तो यह एरिया कौन सा है मेरे दोस्त दिस इज द एरिया फॉर द एंटायर क्रॉस सेक्शन इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल दिस द एरिया फॉर द एंटायर क्रॉस सेक्शन हम पूरे क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं अच्छा जरा अगर यहां पे हम क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं तो यहां पे जरा क्रॉस सेक्शन को देखा जाए मान लो सर्कुलर एरिया तो यहां पे मेरे दोस्त यहां पे मेरे दोस्त अगर हम इसको थोड़ा गौर से देखें अगर हम इसको थोड़ा गौर से देखें तो इस क्रॉस सेक्शन में मेरे को क्या क्या दिखेगा इस क्रॉस सेक्शन में मेरे को क्या क्या दिखेगा जरा चेक करते हैं जरा चेक करते हैं प्लीज फोकस बनाए रखना इधर उधर मत भटकना जिंदगी बहुत छोटी है जितना जल्दी कोई जॉब ले लोगे उतना आसान है, है ना कहते हैं मंजिलें बहुत मुश्किल है या मंजिलें बहुत जिद्दी हैं रास्ते बड़े जिद्दी हैं देखते हैं आगे क्या होगा क्योंकि क्योंकि मेरी चाहते बड़ी ज़िद्दी हैं ठीक है थीके? चलो सो अस से अस से अस से कि ये आपका क्रॉस सेक्शन है तो क्रॉस सेक्शंस में सॉलिड भी है क्रॉस सेक्शन में वॉइड भी है अब हमने क्या बोला कि वॉयड में क्या भरा हुआ है वॉयड में आपको सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ है द वॉयड इज फिल्ड ओनली विद द वॉटर तो आपने जो एरिया लिया है ये पूरा एरिया लिया है आपने जो एरिया लिया है वो ये पूरा एरिया लिया है ठीक है बात यू हैव टेक इन द एंटायर एरिया फॉर द कैलकुलेशन ठीक है तो यहां पे मेरे दोस्त यहां पे मेरे दोस्त इधर आप ये जो वेलोसिटी लाए हो इस वेलोसिटी को हम बोल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी इसको हम बोल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी या हम इसको बोल रहे हैं डिस्चार्ज वेलोसिटी या हम बोल रहे हैं इसको एवरेज वेलोसिटी या हम इसको क्या बोल रहे हैं डिस्चार्ज वेलोसिटी ठीक है बात क्लियर है यहां तक अब मेरे दोस्त इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है तो अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है तो मेरे दोस्त प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट अप्लाई करेंगे अगर एक प्रोपोर्शनिटी को हटाना है तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम क्या यूज यूज करेंगे यूज़ करेंगे कांस्टेंट तो यहां पे हम क्या लिख देंगे बराबर लिख देंगे अगर हमको इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है तो हम क्या लिखेंगे बराबर लिख देंगे और अगर हम ऐसा लिखे अगर हम ऐसा लिखे तो इज इज दिस दिस के 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 ये क्या है वट इज दिस के कोई हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त इसके कोई हम क्या बोलते, of, इसके को हम बोलते? तो हमने क्या बोला, हमने क्या, बोला? एक बात क्या बोली है कि द एटायर कॉन्सेप्ट ऑफ परमिटीड एज पर दॉ डार्सी लॉ ने क्या बोला कि अगर soil, अगर फ्लो लैमिनार है और अगर सोइल सेचुरेटेड अगर फ्लो लैमिनार है और अगर सैचुरेटेड है देन द डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट देन द डिस्चार्ज पर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सो वॉट इज दिस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमने क्या बोला अगर आप अलॉन्ग देंथ फ्लो हो रहा है तो जितना हेड में नुकसान हुआ है जितना हेड में नुकसान हुआ डेट द हेड दैट इज कॉजिंग द फ्लो अपॉन द लेंथ यह आपको दे रहा है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट राइट वहाँ से हमने क्या बोला भैया प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करना है क्या बोले इक्वल टू लगा दिए एक नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट तो अगर हम परमिबिलिटी बोला उसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो हमने क्या बोला क्यू बाई ए बराबर के इन टू आई तो अगर मेरे को अगर मेरे को क्या चाहिए परमेबिलिटी चाहिए तो परमेबिलिटी क्या बोलेंगे अपॉन अपॉन यही यही बोल रहे हो यही बोल रहे रहे तो मेरे दोस्त अगर आपको यहां पे क्या चाहिए परमेबिलिटी चाहिए तो परमेबिलिटी आप कैसे डिफाइन करोगे इट इज द डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया पर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अगर हम एरिया को यूनिट बना देख और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को यूनिट बना दे तो क्या हम बोल सकते हैं कि मेरे दोस्त परमियबिलिटी इज डिफाइंड एज द डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया पर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट टेल मी माय डियर फ्रेंड यस और नो टेल मी यस और नो टेल मी यस और नो यस लेकिन सर अभी हमने क्या बोला कि यहां पे जो आपने वेलोसिटी डिफाइन किया है ये पूरे एरिया को बात कर रहा है यहां जो वेलोसिटी बात हुआ है ये पूरे एरिया की बात हो रहा है जहां पे सॉलिड्स भी है और जहां पे वॉइड्स भी है तो जो फ्लो हो रहा होगा वो सॉलिड के थ्रू हो रहा होगा या वॉइड के थ्रू हो रहा होगा यस ये नो ठीक है सौरभ यार प्लीज आप अभी इस क्रैश कोर्स से लायक नहीं हो ठीक है प्लीज ऐसे सवाल मत पूछो जो क्रैश कोर्स के लायक नहीं होता है वो जब आप फुल कोर्स करते हो ना उसके लायक है तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप उसके लिए जाओ फिर यू फोकस फॉर ट्वेंटी फोर क्योंकि अभी आपको इंजीनियरिंग लग रहा है तुम एंटर ही नहीं की हो प्लीज डोंट डिस्टर्ब द सेशन देखो यहां पे तो मेरे दोस्त यहां पे हम क्या बोल रहे हैं ठीक है यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि वॉर्ड्स में यहां पे हम क्या बोल रहे वॉइड्स में पानी है जो फ्लो होगा वो वॉर्ड्स के थ्रू होगा जो फ्लो होगा वो वॉइड्स के थ्रू होगा राइट जो द फ्लो विल बी थ्रू द वॉइड्स अब मेरे दोस्त यहां पे हमने जो एरिया लिए तो पूरे की बात की है तो इसी कारण से इसको हमने क्या बोला एवरेज बोला लेकिन अगर हम सिर्फ वॉइड्स के थ्रू फ्लो बात करें लेकिन अगर हम सिर्फ बात किसके तरह वॉइड्स के थ्रू फ्लो बात करें तो एरिया किसका होगा सिर्फ वर्ड्स का होगा फ्लो किसका होगा सिर्फ वर्ड्स के थ्रू होगा तो जो वेलोसिटी बात होती है वहां लोग हमने क्या बोला जो डिस्चार्ज है अगर हम पूरा एरिया ले रहे हैं तो वहां पे मेरे साथ कौन सा वेलोसिटी आ रहा है अगर हम पूरा एरिया ले रहे हैं तो वहां पे मेरे साथ कौन सा वेलोसिटी आ रहा है दिलोसिटीज ज एवरेज फिलोसिटी और डिस्चार्ज फिलॉसिटी हमने पूरा एरिया लिया है लेकिन मेरे दोस्त जब हम वर्ड्स के थ्रू एरिया ले रहे हैं जब हम वर्ड्स के थ्रू एरिया ले रहे हैं देन इट इट इज इज द द एक्चुअल वेलोसिटी और वी दैट सीपेज वेलोसिटी इट इज द एक्चुअल वेलोसिटी और वी से दैट इट इज द सीपेज वेलोसिटी सो माय डियर फ्रेंड जब हम वर्ड्स के थ्रू बात कर रहे हैं तो उस समय जो वेलोसिटी कंसिडर होगा इट विल बी द एवरेज वेलोसिटी और दैट इज थ्रू द वर्ड इट विल बी द एक्चुअल वेलोसिटी और वेलोसिटी नाउ माय डियर फ्रेंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट अब कौन बड़ा है टोटल एरिया बड़ा है या वर्ड्स का एरिया बड़ा है हमको साफ पता है द वर्ल्ड एरिया विल बी ग्रेटर देन सॉरी लेस देन द टोटल एरिया और अगर ऐसा है अगर ये क्वालिटी होल्ड करना अगर ये कंटिन्यूटी होल्ड कर रहा है तो माय डियर फ्रेंड क्या आई से द सीपेज वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन द एवरेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी टेल मी यस और नो द सीपेज वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन द एक्चुअल वेलोसिटी और द डिस्चार्ज वेलोसिटी एवरेज और डिस्चार्ज वेलोसिटी तो मेरे दोस्त जब आप पूरा पढ़ते हम पूरा डेरिवेशन कराते हैं सो so, VS बराबर V बाय NS एस इज द सीपेज वेलॉसिटी वी किसके लिए स्टैंड कर रहा है वी एस कर रहा है फॉर सीपेज वेलोसिटी है ना वी किसके लिए स्टैंड कर रहा है वी स्टैंड कर रहा है किसके लिए फॉर योर एवरेज वेलोसिटी या डिस्चार्ज वेलोसिटी राइट व्हाट इज एन एन स्टैंड फॉर पोरोसिटी पोरोसिटी एंड व्हाट इज एस एस स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपने क्या माना मेरे दोस्त आपने क्या माना आपने माना कि आपने आपने माना माना तो तो अगर तो बराबर क्या हो गया सैचुरेटेड तो एस इक्वल टू वन तो दीपेजी इज वॉट वी बाई एन इज नथिंग बट इक्वल टू वी बाई एन क्लियर यहां तक क्लियर यहां तक तो यहां पे मेरे दोस्त समझोगे बात को ध्यान से हमने जब टोटल दैट इज एवरेज वेलोसिटी लिया तो वी बराबर हमने क्या लिखा के इन टू आई लिखा लिखा क्या तो अगर हम सीपेज वेलोसिटी अगर लेते हैं तो यहां पे जो पैरामीटर है वो क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन इनटू आई व्हाट इज दिस केपी के हमने क्या बोला कोमिबिलिटी व्हाट इज दिस केपी इट स्टैंड्स फॉर इट स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ फिशियंट ऑफ परकोलेन कोफिशियंट ऑफ परकोलेशन तो कैन एनी वन टेल मी व्ट इज द रिलेशन बिट्वीन के पी एंड के वट इज द रिलेशन बिट्न के पी एंड के कैन आई सेट के पी इज नथिंग बट इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ परमिबिलिटी डिवाइडेड बाई एन बोलो हाई ना अगर वी एस बराबर वी बाई एन है अगर बराबर है, तो क्या मैं बोल सकता हूं और, इस तो yes. और इसलिए हमने क्योंकि वर्ड्स के थ्रू हम मूवमेंट देख रहे नाम पड़ा परकोलेशन इसलिए यहां पर नाम क्या पड़ा परकोलेशन इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल इज द पॉइंट क्लियर टू एवरी वन यस तो के पी बराबर के बाई एन ये हमारा छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे जाता है जैसे मान लो अगर कोई ट्रेसर है सुनना बात को ध्यान से, everyone, सुनना बात बात को को ध्यान ध्यान से 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 एवरीवन देखो सवाल दुरंग दुरंग सवाल पूछोगे पूछोगे मैं मैं तुरंत तुरंत आंसर आंसर दूंगा फालतू का बकवास करोगे होता हूं राइट खड़ा आएगा और दुर दूसरे तो यहां पे अगर मान लो आपको दूरी पता है और अगर मान लो आपको यह पता है कि कितने टाइम में आपने निकाला है कितने टाइम में आपने वो ट्रेसर को छोड़ा था और कितने टाइम में आपको मिला है तो माय डियर फ्रेंड यहां पे कौन सा वेलोसिटी आप निकाल रहे होगे सोच के बताना मानो मा, मैंने कोई पार्टिकल या ट्रेसर छोड़ा है एट सर्टेन स्टार्टिंग पॉइंट और वहां से मेरे को एक एंड पॉइंट पे मैं देख रहा हूं ये ट्रेसर को रिसीव होता हुआ अगर मेरे को दूरी पता है

क्लियर है यहां तक अरे क्लियर है यहां तक चलो ओके okay देन एकदम चलो सो रिलेशन के पी एंड के हैव कवर्ड ओके सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू अफेक्ट द दर्म्यूनिटी क्या क्या फैक्टर्स हैं जो परम्युनिटी को अफेक्ट करते हैं तो मेरे दोस्त यहां पे एक, अगर हम परम्युनिटी की बात करें तो ये फंक्शन है किसका एक है मैटेरियल प्रॉपर्टी का एक है मैटेरियल प्रॉपर्टी का और दूसरा है मेरे दोस्त फ्लूइड प्रॉपर्टी का दो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है एक है मैटेरियल प्रॉपर्टी और दूसरा आपका फ्लूड प्रॉपर्टी इन दोनों पे डिपेंड करता है मेरे दोस्त तो अगर हम बात करें यहां पे, तो फॉर्मूला क्या लिखाता है के बराबर डी स्क्वायर इंटूक्न वन प्लस इंटू गामा बाई म्यू इंटू के वन के टू के थ्री के फोर के फाइव के सिक्स राइट सो दिस इज द फॉर्मूला ट यू कैन अंडरस्टैंड कि के किसपे किस पे डिपेंड करेगा के किसपे किस पर पे डिपेंड किस पे करेगा तो मेरे दोस्त अगर हम बात कर रहे हैं परमिबिलिटी यह डी क्या है डी का मतलब है डायमीटर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल द डायमीटर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल मतलब क्या है साइज जितना बढ़ेगा परमिबिलिटी उतना बढ़ेगा बोलो हाया ना साइज जितना बढ़ेगा ऑलरेडी देख चुके हैं है। बड़े पार्टिकल में है होता है। तो हमको परमेबिलिटी ज्यादा मिलती है क्लियर पॉइंट क्लियर पॉइंट चलिए अगला बात करते मेरे दोस्त अगेन ई e पे डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू वहां पे डिसाइड होता है दोनों का कंबाइंड डिसाइड करते हैं तो अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं गामा बाई म्यू गामा बाय म्यू गामा बाय म्यू किसकी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा उसकी प्रॉपर्टी होगी यस yes no? हो और नो जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा उसकी प्रॉपर्टी होगी गामा और म्यू राइट सो अगर विस्कोसिटी ज्यादा है अगर फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा है तो परमेबिलिटी कम होगी क्योंकि जितना विस्कस होगा फ्लूइड उतना फ्लो होने में प्रॉब्लम होगा उतना रेजिस्टेंस मिल रहा होगा और यूनिट वेट ऑफ वाटर जितना यूनिट वेट ज्यादा होगा उतना फोर्स की टेंडेंसी उतना फ्लो की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी राइट right? ओके okay. अगला बात करते सर मेरे पास अगला फैक्टर है द नेक्स्ट फैक्टर्स दैट वी आर आर हैविंग एंड सो डियर फ्रेंड अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो ये अलग अलग फैक्टर्स है जैसे अगर हम के वन बोल रहे हैं इट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन अब सर ये जितना भी फैक्टर है एक ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है ये जितना भी फैक्टर है एक ही बेस्ड है वो फैक्टर क्या है समझ रहा हूं आपको ध्यान से आपका जो फ्लो होगा वो वॉड के थ्रू ही होगा और वाइड कंटेनिंग वाटर ही होगा मानते हैं कि नहीं यार सिंपल है ना मान लो ये बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है मान लो टेबल पे एक बूंद पानी गिरा दो और दूसरा बूंद उसके बगल रख दो मान लो कि अगर कोई फ्लो हो रहा है तो अगर पीछे से कोई बूंद आ रहा है तो उसी बूंद के थ्रू फ्लो होना चाहेगा कि एयर के थ्रू फ्लो होता चाहेगा इट विल फ्लो थ्रू द पाथ क्रिएटेड बाय द वाटर जो पाथ ऑलरेडी क्रिएटेड होगा पानी के द्वारा उसी पाथ के द्वारा फ्लो होना चाहेगा यस और नो वो किसी ऐसा तो नहीं होगा पानी इधर है हवा इधर है तो ऐसे काट के निकलेगा ऐसा तो नहीं होता है बोलो यार आर यू गेटिंग द पॉइंट सो माई डियर फ्रेंड द फ्लो विल बी थ्रू द वॉइड्स द्वाइट जिस पार्ट में पानी है उसी के थ्रू फ्लो होगा ठीक है अच्छा दूसरा ग्रेविटी वाटर का पाथ पे फ्लो होगा या एड्सॉ वाटर के पाथ पे फ्लो होगा कैन अब सिंपल से बात है तुम्हारे पास दो रास्ता है एक है कठिन रास्ता और एक है आसान रास्ता तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगे कठिन वाला या आसान वाला एड्सॉ वाटर का प्रॉपर्टी ग्रेविटी वाटर से क्या था ट्रिंजेंट था उसका मेल्टिंग पॉइंट विस्कोसिटी सब कुछ राइट right? लेकिन मेरे दोस्त अगर यही हम ग्रेविटी वाटर की बात करें उसकी प्रॉपर्टी क्या थी आसान थी उसके थ्रू फ्लो क्या होता आसान होता विस्कोसिटी क्या था कम था तो अब अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो इतना बात समझ में आ गया कि सर आसान भाषा में एब्सॉर्ब वाटर के थ्रू फ्लो नहीं होगा आपने बोला वॉइड्स में जो पानी उसके थ्रू फ्लो होगा लेकिन उसमें भी एब्सॉर्ब वाटर के थ्रू फ्लो नहीं होगा क्यों नहीं होगा सर क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी क्या है ट्रिंजेंट है उसका विस्कोसिटी क्या है ज्यादा है राइट सो माय डियर फ्रेंड्स ऑफ सैचुरेशन अब अगर इतना बात समझ में आ गया तो जितना डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा उतना पानी हो में पानी ज्यादा होगा जितना डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा उतना वर्ड्स में पानी ज्यादा होगा और जितना वर्ड्स में पानी ज्यादा होगा फ्लो उतना तेजी से होगा या उतना स्लो होगा वर्ड्स में जितना ज्यादा पानी होगा फ्लो उतना तेजी से होगा या उतना स्लो होगा उतना तेजी से होगा और फ्लो तेजी से हुआ मतलब क्या हुआ परमेबिलिटी ज्यादा हो गई या कम हो गई फ्लो तेजी से हुआ मतलब परमेबिलिटी ज्यादा हो गई या कम हो गई ज्यादा हो गई इज इट क्लियर इज इट क्लियर चलिए अगला बात करते मेरे दोस्त एंट्रैब गैसेस अभी मैंने बोला फ्लो किसके थ्रू होगा फ्लो किसके थ्रू होगा थ्रू द वॉटर अब अगर वॉइड में कोई एयर मॉलिक्यूल फंसा हुआ है गैस मतलब क्या हुआ कोई एयर मॉलिक्यूल है तो अगर वॉइड में कोई एयर मॉलिक्यूल फंसा हुआ है तो आप बताओ क्या उसके थ्रू फ्लो पॉसिबल है अगर वॉइड में कोई एयर मॉलिक्यूल है तो आप बताओ मेरे को क्या उसके थ्रू फ्लो पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है मतलब जितना इंट्राफ्ट गैसेस बढ़ेगा उतनी परमिबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी जितना इंट्राफ्ट गैसेस बढ़ेगा उतनी परमिटी बढ़ेगी या कम होगी कम हो जाएगी चलिए नेक्स्ट अगला आपका फॉरेन इंप्योरिटीज सम सॉलिड पार्टिकल समथिंग इज देयर इट इज नॉट वाटर तो अब बताओ क्या होगा जितना फॉरेन इंप्योरिटीज बढ़ाएंगे द ग्रेटर विल बी द फॉरेन इंप्योरिटीज मोर विल बी द रेजिस्टेंस टू द फ्लो मोर विल बी द रेजिस्टेंस टू द फ्लो एंड ग्रेटर द रेजिस्टेंस टू द फ्लो पुअरर विल बी द परमेबिलिटी यस और नो यस और नो चलिए नेक्स्ट एड्सॉब्ड वाटर नेक्स्ट इज द एड्सॉर्ब वाटर आप बताओ जितना ज्यादा एड्सॉर्बर परमिबिलिटी उतना ज्यादा है उतना कम बोर्ड पे मत देखना ठीक है लिखा हुआ है लेकिन दिल से पूछ के बताना दिल से पूछ के बताना सही बता रहे हो गलत बता रहे हो और समझे हो कि नहीं समझे हो रटना नहीं है मेरे दोस्त रटना नहीं है यहां पे, एक एक चीज समझ के आंसर करना है यू डोंट हैस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आप क्यों पढ़ लो फ्लो इज नॉट थ्रू द एड्ड वाटर राइट अभी जस्ट बोला था वाटर के थ्रू फ्लो नहीं होगा और अगर वाटर के थ्रू फ्लो नहीं होगा तो मेरे दोस्त वहां पे क्या हो गया रेजिस्टेंस मिल गया फ्लो तो आपका उधर से सता, जितना हो सकता है जितना उतना आपका फ्लो का पात कम होता जाएगा तो परमिटी उतनी क्या हो जाएगी कम होती जाएगी ठीक है अगला बात करते हैं मेरे दोस्त अगला बात करते हैं टाइप ऑफ मिनरल का टाइम अब जैसे सॉलिड का जो मिनरल है वो डिसाइड करता है फ्लो

नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल तो ये बात हमने याद करो पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल परसों ही पढ़ा है क्या स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल परसों ही पढ़ा है क्या यस और नो और अगर परसों पढ़ा है तो हमने एक बात बोली थी क्या बोली थी मेरे दोस्त सॉइल स्ट्रक्चर की बात बोली थी कि अगर आप फाइन ग्रेंड सॉइल ले रहे हो या मान लो आप एक सिंपल से बात करो फ्लॉकुलेंट और डिस्पर्स स्ट्रक्चर तो पर्मेबिलिटी किसमें मिलेगा ज्यादा अगर हम फ्लॉकुलेंट या डिस्पर्स की बात करें तो कि किसमें में ज्यादा मिलती है फ्लॉकुलेंट में परमिबिलिटी ज्यादा मिलती है बस हो गया कदम खत्म हो गया इतना ही बात पढ़ना था यहां पे तो सर हमेशा हर चीज की कोई ना कहीं लिंक तो होता ही है है ना चलो ओके लेट्स मूव ऑन लेट्स मूव ऑन प्लीज एवरी वन आंसर दिस फास्ट एवरी वन आंसर दिस इट्स जस्ट इट्स जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन आई वॉन्ट यू टू आंसर फास्ट तब तक कुछ जवाब दे देते हैं सर प्लीज बोलिए केमिस्ट्री गेट नेट भैया नहीं आएगा नहीं आएगा प्लीज मत एक्सपेक्टेशन करो और प्लीज दोबारा मैसेज मत करना नहीं आएगा बेटा केमिस्ट्री नहीं आएगा वी आर डीलिंग ओनली विद द ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग ठीक है दैट इज सिविल मैकेनिकल ईसी इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस आईटी केमिकल विल बी देयर इन द फ्यूचर लेकिन अभी नहीं आएगा चलो चलो प्लीज आंसर एवरी वन प्लीज आंसर एवरी वन ए आर आंसर सेइंग आंसर ए यार, है, यार कितने बेशरम आदमी हो लाइक तो करना बनता है यार इतना मेहनत हम कर रहे हैं तुम्हारा एक लाइक नहीं बनता है यार गजब आदमी हो यार शेयर करने बोलते शेयर नहीं करते हो यार तुम लोग है इंक्रीज बाय ट्वेल्व पॉइंट फाइव क्या बोल रहा है भाई ड्यू टू द राइज इन द टेम्परेचर भैया आंसर आ जाना चाहिए सबका अभी तक आंसर आ जाना चाहिए अभी तक सबका आंसर आ जाना चाहिए सबका ड्यू टू राइज इन द टेम्परेचर द विस्कोसिटी एंड द यूनिट वेट ऑफ द फ्लूड परकोलेटिंग थ्रू द सॉइल मास आर रेड्यूसड बाई एटी परसेंट एंड नाइनटी परसेंट इफ द अदर्स फैक्टर रिमेन अनअल्टर्ड द कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी देखो यार यहां पर ध्यान से आपको यहां पे क्या बोल रहा है कि भाई मेरे अगर हम परमिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो परमिबिलिटी आपको दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है गामा और एक म्यू डिपेंड कर रहा है तो अब ये बोल रहा है कि अगर गामा और म्यू में चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर तो अस से क्या चेंजेस आता है तो के टू बाई के वन अगर हम करते हैं तो हमको क्या मिलेगा गामा टू बाई गामा वन और यहां क्या मिलेगा म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन यही मिलेगा ना मेरे दोस्त तो हमको क्या बोला कि यूनिट वेट आपका रेड्यूस टू एसेंट पॉइंट एट ऑफ म्यू वन यही हो गया मेरे दोस्त और जो यूनिट वेट है इज रेड्यूज टू नाइनटी परसेंट मतलब यहां पर क्या हो गया पॉइंट नाइन पॉइंट नाइन ऑफ गामा वन डिवाइडेड बाई गामा वन बोलो मेरे दोस्त यही होगा क्या तो यहां पे तो ये समझ में आ गया कि ये क्या किया गया तो ये जो वैल्यू आया नाइन बाई एट आया नाइन बाई एट आया नाइन बाई एट मतलब क्या हुआ नाइन बाई एट मतलब क्या हुआ वन पॉइंट वन पॉइंट वन टू फाइव मतलब के टू जो है वो वन पॉइंट वन टू फाइव टाइम से किसका के वंग का यही समझ में आया सबको के टू जो है वो वन पॉइंट वन टू फाइव टाइम्स है किसका के वन का मतलब वैल्यू क्या हो गया बढ़ गया है तो भैया ये चला गया ये चला गया और यहां पे साफ दिख रहा है कि अगर हम पता करें कि कितना बढ़ रहा है तो वो ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट बढ़ रहा है right? वो कितना बढ़ रहा है? है तो आंसर क्या हो गया ए हो गया ठीक है सर मेरे दोस्त इज द पॉइंट क्लियर टू एवरी वन एनी वन डाउट इन दिस एनी डाउट इन दिस क्लियर है सबको क्लियर है सबको ठीक है चलो सो इट्स अजी क्वेश्चन बस इसलिए है ताकि आपको एक लॉलीपॉप मिल जाए आप भी खुश हो जाओ जो हम पढ़ ले सर हमको समझ में आ गया आप भी खुश हो जाओ जो हम पढ़ ले सर हमको समझ में आ गया डेट सेट हो गया खत्म वो लॉलीपॉप दे दिया आपको चलो हाँ सर अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल द क्वेश्चन टू बी वन इंटू डे माइन थ्री सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द वर्ड रेशियो पॉइंट फोर परमिटी ऑफ द सेम सॉइल विद्यूड एट द सेम टेम्परेचर बट एट वर्ल्ड सिक्स विल बी वर्ल्ड रेशियो बदल दिया है और बोला है परम्युनिटी अब डायरेक्ट यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अगर आपको रिलेशन आता बता दोगे आपका वर्ल्ड रेशियो बदल रहा है आपका वर्ल्ड रेशियो बदल रहा है बोल रहा है कि बताओ परम्युबिटी पर क्या फर्क पड़ेगा परम्युनिटी कितना होगा जल्दी से आंसर करेंगे मेरे दोस्त पॉइंट वन थ्री फाइव टू पॉइंट टू फाइव थ्री पॉइंट एट फाइव सेवन सर वापस से एन में अलग अलग आंसर आने लग गए वापस से एन में अलग अलग आंसर आने लग गए देख लो जहां पे एम था एक आंसर आया जहां पे एम था एक आंसर आया जहां एन, एन आया अलग अलग आंसर आने लग गया कुछ समझ में आ रहा है बात कुछ समझ में आ रहा है बात एग्जाम में यही होता है पॉइंट डबल सिक्स टू पॉइंट नाइन एट थ्री देख लो पांच आंसर आया पांचवा आंसर अलग है पांच आंसर आया पांचवा आंसर अलग है ये देखो ये छठा आंसर छठा आंसर भी अलग है ये होता है गेम दिस इज द गेम ऑफ एनर्टी दिस इज द गेम ऑफ एनर्टी कितना भी कर लो गलती होती है कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि आपको अपने कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस नहीं है देखो यहां पे ध्यान से अब यहां पे सारा फैक्टर सेम है मेरे दोस्त यहां पे अगर सारा फैक्टर सेम है तो हम यहां पे क्या बोलेंगे के वन या परमिबिलिटी इज इक्वल टू सम समू ई क्यूब अपॉन वन प्लस यही बोलोगे ना यार बोलो हाई या ना यही बोलोगे यही फॉर्मूला है फॉर्मूला बेसिक यही है तो अगर अब हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो हम कंपेरिजन में क्या करेंगे के टू बाई के वन दिस इज इक्वल टू ई टू क्यूब अपॉन वन प्लस ई टू और नीचे में क्या हो जाएगा ई वन क्यूब अपॉन वन प्लस ई वन बोलो मेरे दोस्त यही होगा क्या कांस्टेंट कांस्टेंट चला गया क्योंकि बाकी सारा फैक्टर सेम करने बोला था तो आपका यही फॉर्मूला बनेगा और अगर यही फॉर्मूला बनेगा तो अब क्या बोल रहा है अब आपका क्या बोल रहा है दूसरे ईटू आपका कितना है पॉइंट सिक्स सो पॉइंट सिक्स का होल क्यूब अपॉन वन प्लस पॉइंट सिक्स और इधर क्या हो गया वन प्लस पॉइंट फोर डिवाइडेड बाई पॉइंट फोर का होल क्यूब टेल मी माइ डियर फ्रेंड यही होगा यही होगा और अगर यही होगा आप देखो यहां पे K2 आपको निकालना है K1 आपको कितना गिवन है टू दी पावर तो इसको तो बाहर ही रखते हैं क्योंकि आपको टेन पर माइनस थ्री में आंसर बोल रहा है अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको यहां पे दिख रहा है क्या ये कटते हुए ये करते हुए दिख रहा है सिक्स का होल क्यूब फोर का होल क्यूब मुझे टू का होल क्यूब करते हुए दिख रहा है तो यहां पर बच जाएगा थ्री थ्री का होल क्यूब हो गया डैट इज हाउ मच थ्री थ्री हा नाइन थ्री हा ट्वेंटी सेवन और यहां पे हो गया टू का होल क्यूब टू टू जा फोर टू जाए एट ठीक है बात यहां पे हो गया वन पॉइंट फोर और नीचे हो गया वन पॉइंट सिक्स यही होगा मेरे दोस्त अरे बोलोगे नाउ यू सॉल्व इट क्या रहा है आंसर अब देखो सबका एक आंसर आ रहा होगा अब देखो सबका एक आंसर आ रहा होगा आ रहा है क्या अब आ रहा है सबका एक आंसर टू पॉइंट नाइन फाइव इंटू टेन पाइनस थ्री तो सर क्यों पहले बार में गलती क्यों हुआ पहले बार में क्वेश्चन तो बहुत बड़ा नहीं था क्वेश्चन तो ऐसा कुछ नहीं था कि आपसे गलती होना चाहिए क्वेश्चन तो ऐसा कुछ नहीं था कि आपसे गलती होना चाहिए था बोलो सही बात है कि नहीं क्वेश्चन ऐसा तो नहीं था कि आपसे गलती होना चाहिए एनएटी में नहीं बनना चाहिए लेकिन सर प्रॉब्लम कहां पे आया लेकिन सर प्रॉब्लम कहां पे आया प्रॉब्लम इसलिए आया ठीक है प्रॉब्लम इसलिए आया कि मेरे दोस्त हमें जब ऑप्शंस नहीं मिला होता है तो हम कैलकुलेशंस में ज्यादातर एरर कर रहे होते हैं क्योंकि हमको नहीं पता होता है कि सामने आंसर क्या होगा आर यू गेटिंग द पॉइंट तो मेरे दोस्त इस चीज पे काम करना है हम सबको जिनका गलत हो रहा है उनके लिए बात कर रहा हूं सारा कॉन्सेप्ट आते हुए अगर तुम यहां पे गलती करोगे तो बहुत बड़ा ब्लैंडर है ठीक है इट इज अ ब्लैंड इट इज नॉट अ मिस्टेक इट इज अ ब्लेंडर माय डियर फ्रेंड तो ये ब्लेंडर को अवॉइड करना है ठीक है बोलो प्रॉमिस करते हैं सब लोग यस yes? प्रॉमिस करते हैं सब लोग कि आगे से ये ब्लेंडर नहीं होगा बेटा एमपेरिकल फॉर्मूला है ऑलरेडी एक एक बात बता दिया है डायमीटर पे कैसे वर्क पड़ेगा वर्ल्ड रेशो पे कैसे वर्क पड़ेगा चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट फ्लो थ्रू स्ट्रेटिफाइड लेयर्स हाँ फ्लो थ्रू स्ट्रेटिफाइड लेयर्स थोड़ा सा डिजाइन बनाना चाह रहे हैं धीरे धीरे अभी टाइम कम मिल रहा है एक बार मतलब टाइम आ गया ना तो जब फुल कोर्स आएगा ना तो उसमें क्या करेंगे प्रॉपर एक एक मतलब मैंने क्या प्लान किया इवन जो टेस्ट होंगे ना जो टेस्ट हम कर रहे होंगे वो प्रॉपर एन्यूटेट कर रहे होंगे एनिमेशन कर रहे होंगे कि कैसे मिक्सिंग करता है एंड एवरी वी आर गोइंग टू डू लेकिन अभी के लिए जितना टाइम बच रहा है उतना में हम कर रहे हैं चलिए देखिए यहां पर सो फ्लो थ्रू स्ट्रेटिफाइड लेयर्स ठीक है अब यहां पे देखो अब यहां पे देखो फ्लो हो रहा है द फ्लो इज अक्रिंग अब यहां पे अलग अलग लेयर है देखो लेयर किस तरीके से मेरे दोस्त लेयर किस तरीके से देखो लेयर इस तरीके से दिस इज लेयर राइट तो अब अगर यहां पे अगर हम फ्लो देखें तो हमको क्या दिख रहा है जो भी डिस्चार्ज एंटर करेगा जो भी डिस्चार्ज एंटर करेगा वो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा जो भी डिस्चार्ज एंटर करेगा वो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा बट जाएगा बट जाएगा क्या अगर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो जो भी डिस्चार्ज एंटर कर रहा है वो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा यस yes और नो no? डिस्चार्ज बढ़ गया बढ़ गया क्या और जब डिस्चार्ज बढ़ गया तो मेरे दोस्त अगर हम देखें तो हर लेयर में हर लेयर में जो लेंथ ऑफ फ्लो है वो सेम है या डिफरेंट है हर लेयर में जो लेंथ ऑफ फ्लो है वो सेम है या डिफरेंट है वो सेम है हर लेयर में फ्लो क्या है सेम जितना लेंथ फ्लो हो रहा है वो सेम है तो अगर लेंथ फ्लो है स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट सेम है तो मेरा जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा जो मेरा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा वो हर लेयर में क्या होगा द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन ऑल द लेयर्स विल बी सेम दैट इज द लॉस इन ऑल द लेयर इज सेम सही बात है कि नहीं द लॉस इन ऑल द लेयर्स इज सेम हर लेयर में जो लॉस होगा वो सेम होगा सही बात है सही बात है एकदम सही बात है सर अब आगे समझेंगे अब आगे समझेंगे यहां पे तो ये इस तरीके के फ्लो को हम क्या बोल रहे हैं इस तरीके के क्या बोल रहे हैं फ्लो थ्रू फ्लो कैसा है पैरेलल टू बेडिंग प्लेन ये जो फ्लो होता है इसको हम क्या बोलते हैं पैरेलल टू बेडिंग प्लेन ठीक है मेरे दोस्त इसको हम क्या बोल रहे हैं पैरेलल टू बेडिंग प्लेन अब इस जब हम पैरेलल टू बेडिंग प्लेन बोल रहे हैं तो हर लेयर में जो डिस्चार्ज है वो क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया हो गया क्या लेकिन मेरे दोस्त जो हर लेयर का लॉस है वो क्या है सेम है तो यही तरीका है हमको पहचानने का कि ये पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन है आर यू गेटिंग द पॉइंट यही तरीका है पहचानने का कि ये पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन है अब अगर हम अगला बात कर रहे हैं अब अगला बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू दे बेडिंग प्लेन देखो जो फ्लो हो रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है. जो फ्लो हो रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में है तो हर लेयर के थ्रू जो फ्लो होगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा हर लेयर पे जो फ्लो होगा वो सेम होने वाला है लेकिन मेरे दोस्त हर लेयर पे जो लॉस होगा वो अलग अलग होगा हर लेयर पे जो लॉस होगा वो अलग अलग होगा होगा कि नहीं होगा सो माई डियर फ्रेंड यहां पे क्या बोल रहे हैं क्यू

कैसे पहचानना है बड़ा सिंपल सा तरीका है पैरेलल बेडिंग प्लेन में आपको क्या दिखेगा डिस्चार्ज स्प्लिट होता हुआ हेडलॉस हर लेयर में सेम होगा जब हम परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन बोल रहे हैं तो हम क्या दिख रहे हैं कि मेरा डिस्चार्ज हर लेयर में सेम है लेकिन मेरे दोस्त जो मेरा हेडलॉस है, है हर लेयर का एड होके मिलने वाला है क्लियर है बात Q1 बराबर कैसे होगा अरे बाबा यहां से जो डिस्चार्ज एंटर कर रहा है वही तो नीचे जाएगा वो थोड़ी बदल जाएगा यहां पे कोई स्प्लिट थोड़ी हो रहा है आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो उसी डायरेक्शन में तो बढ़ रहे हो आप कहीं डाइवर्जन थोड़ी ना आ रहा है क्लियर है भावेक भावेक इज इट क्लियर बेटा भावेक इज इट क्लियर बेटा चलो सो माई डियर फ्रेंड अब यहां पर फॉर्मूला आता है मान लो हरिजॉन्टल फ्लो है मान लो हरिजॉन्टल फ्लो है और आपको एवरेज परमिबिलिटी बतानी है आपको मान लो कि यही सॉयल है लेंथ एल आपको एक इक्वालेंट सॉयल बनाना है आपको एक इक्वालेंट सॉयल बनाना है और जब आप ये इक्वालेंट सॉइल बना रहे हो तो माय डियर फ्रेंड यहां पे हम क्या बोल रहे हैं आपको कि आपको एवरेज परम्यूबिलिटी बताना है मान लो हम इसको बोल रहे हैं भाई ये मेरा इसका एवरेज परम्यूटी के एवरेज फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो जितना डिस्चार्ज यहां एंटर करेगा यहां भी उतना ही डिस्चार्ज एंटर करेगा करेगा ना तो यहां से अगर हम के एवरेज अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे अगर मान लो एक का के वन है दूसरे का के टू है तीसरे का के थ्री है चौथे का के फोर है पांचवे का के फाइव है हाइट जेड वन है जेड टू है जेड थ्री है जेड फोर है जेड फाइव है राइट तो एवरेज परमिटी मान लो ये पूरा लेंथ आपका क्या हो गया जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड फोर प्लस जेट फाइव जब आप यूनिफॉर्म एक स्वाइल मान रहे हो जिसका एवरेज एवरेजी के एवरेज है तो हम इसको एक सॉइल माने जिसका टोटल जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड फोर प्लस जेड फाइव सो के एवरेज क्या हो गया मेरे दोस्त के वन जेड वन प्लस के टू जेड टू प्लस के थ्री जेड थ्री सिमिलरली अपॉन जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री इज द पॉइंट क्लियर टू एवरी वन इज द पॉइंट क्लियर टू एवरी वन तो अगर आपको एवरेज परम्यूलिटी पैरले टू द बेडिंग प्लेन निकालने बोल रहा है अगर आपको एवरेज परम्यूलिटी पैरले टू द बेडिंग प्लेन निकालने बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि बहुत लोग को इसका मतलब ही नहीं समझते हैं। बहुत लोग तो इसका मतलब ही नहीं समझते हैं। इसका मतलब है मेरे दोस्त कि अगर मान लो आप जितने लेयर बाई लेयर हैं उसको हटा के अगर आप एक पूरा सॉयल मानो जिसका एवरेज परमिटी के एवरेज है सच डैट डिस्चार्ज उतना ही रहे जो डायमेंशन से सॉइल का उतना ही रहे तब उस केस में एवरेज पोनिटी आप निकालते हो तो उसकी बात हो रही है इज द पॉइंट इज द पॉइंट तो ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही चीज आपको ऑब्जेक्टिव में काम आता है यही चीज आपको ऑब्जेक्टिव में काम आता है चलिए सो दिस इज द एवरेज दिसज पॉमिटी टू द बेडिंग प्लेन अब अगला बात करें एवरेज प्रोटी परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज एवरेज प्रमिटी परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन तो मान लो जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर जेड फाइव ठीक है के वन के टू के थ्री के फोर के फाइव क्लियर है बात ये आपको गिवन है एंड द फ्लो इज अकरिंग इन दिस डायरेक्शन या ऊपर से नीचे कैसा भी राइट right? तो इन दिस केस अगर हम के एवरेज बात कर रहे हैं तो कैसे निकलेगा मेरे दोस्त राइट एज जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड फोर प्लस जेड फाइव अपॉन जेड वन बाई के वन प्लस जेड टू बाई के टू प्लस जेड थ्री बाई के थ्री एंड सॉन तो इस तरीके से आप एवरेज पर्मुनिटी निकालते हो परपेंडिकुलर टू द्लेन बाई दिस वे यू फाइंड द राइट एवरेज पर्म्युनिटी परपेंडिकुलर टू द्लेन सर so, जो के एवरेज आएगा उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी डायमेंशन क्यों बदल जाएगी बेटा अगर आप यहां पे इसका डायमेंशन लेटर्स से आपका के वन के टू सारा डायमेंशन मान लो सेंटीमीटर पर सेकेंड में आपको दिया हुआ है अगर मान लो इसका डायमेंशन आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है तो के एवरेज का डायमेंशन क्या आएगा ये भी आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही आएगा ये थोड़ी बदल जाएगा इसका डायमेंशन थोड़ी बदल जाएगा क्लियर है बात क्लियर है मनीष ओके ओके चलिए लेट सॉल्व यू क्वेश्चन फटाफट पहला क्वेश्चन बनाएंगे बहुत बढ़िया सवाल है मेरे दोस्त टेक योर टाइम प्लीज सॉल्व भैया थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल इसी का मजा है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल लेंथ और एरिया थोड़ी बदल जाएगा वो तो वही रहेगा डायमेंशन वही रहेगा वो नहीं बदलेगा इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड ये देखो रट के बैठा हुआ है मनीष एक से एक है भाई मतलब क्वेश्चन भी रट लोगे नहीं तो भैया आप देखो अपना एकदम टारगेट बड़ा क्लियर हो गया है आज हमारा परम्यूनिटी खत्म होना है बढ़िया से ठीक है परमिनिटी आज खत्म होगा कल आपका सीपेज शुरू हो जाएगा तो कल आपका कौन सा दिन है कल आपका सैटरडे कल आपका सीपेज शुरू हो जाएगा मंडे को सीपेज खत्म हो जाएगा और आप भी जान रहे हो कि हम थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल कर रहे हैं ठीक है परम्युलिटी की वैल्यू क्यों फाइंड करते हैं बेटा मेरे आप कैसे बताओगे मानो आपने पानी छोड़ा फील्ड में आप कैसे बताओगे कि इतने दिन बाद वहां पहुंचेगा अगर आपको सॉइल की परम्यूलिटी नहीं पता आप कैसे बताओगे मान लो आपने इरिगेशन किया और इरिगेशन किया तो आपको अगर सॉइल परमिटी नहीं पता है आप कैसे बताओगे कि कितने टाइम में पानी नीचे तक पहुंच जाएगा ताकि मेरा प्लांट ना खराब हो ताकि मेरा जो आ, हम जो फार्मिंग करने जा रहे वो प्रॉपर्ली उसको पानी सही समय पे मिल पाए चलो अ नॉन होमोजीनियस सॉइल डिपोजिट सिंपल है जो बो, जो जो बात बोल रहा है लिखते चलो आंसर आ जाएगा जो जो बात बोल रहा है लिखते चलो आंसर आ जाएगा मोहम्मद अहमद सर सवाल क्लब स्टेशन खत्म हो गया क्या हाँ बेटा हो गया टेन पॉइंट नाइन सिक्स टेन पॉइंट नाइन सिक्स सेवन फाइव जितिंदर बोलता है सब मजा आ जाता है आपकी क्लास करके मजा ना लो काम करो टेन पॉइंट नाइन सिक्स सेवन देखा जाए सवाल जो बोल रहा है सवाल के अनुसार करना है अ नॉन होमोजीनियस सॉल डिपोजिट कंसिस्ट ऑफ सिल्ट लेयर सैंडविच बिटवीन फाइन सैंड लेयर एट द टॉप क्या बोल रहा है भाई डायग्राम जिसने सही बना लिया वो सब सही बनाएगा ऊपर में क्या बोल रहा है सैंड लेयर फाइन सैंड बोलो सैंड बोलो ठीक है सिल्ट और इसके नीचे क्या बोल रहा है क्ले यही बोल रहा है मेरे दोस्त ठीक है तो यहां तक का मेरा काम ओवर बिलो परमेबिलिटी ऑफ द सिल्ट लेयर इज टेन टाइम्स द परमिबिलिटी ऑफ द सैंड लेयर ठीक है थिकनेस ऑफ दिल्ट लेयर इज टू टाइम्स द थिकनेस ऑफ द सैंड लेयर इसमें एक डाटा मिसिंग है इसमें एक डाटा मिसिंग है इसमें एक और कंपेरिजन होना चाहिए था कैसे आंसर दे दिए भाई तुम लोग कैसे आंसर दे दिए तुम लोग इसमें डाटा मिसिंग है गजब गजब है बहुत बढ़िया <laughs> क्ले की परमिलिटी के मान लेते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसा था कि सिल्ड की परमिटी क्ले का टेन टाइम्स है इफ एम नॉट रॉन्ग और सैंड की परमिटी सिल्ड से दस गुना है सो लेट अस से दिस इज हंड्रेड के है ना सब रट के बैठे सब रट्टू तो था सब रट के बैठे मान लेते हैं कि सवाल में क्ले की परमिलिटी सिल्ड से दस गुना कम है ठीक है की परमुलिटी सिल्ट से दस गुना कम है मैंने बोल दिया एज्यूमिंग परमिटी ऑफ द क्ले इज टेन टाइम्स लेस देन डेट ऑफ द सिल्ट ठीक है अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है थिकनेस ऑफ सिल्ट लेयर इज टू टाइम्स द थिकनेस ऑफ सैंड लेयर एंड टू थर्ड ऑफ थिकनेस ऑफ क्ले लेयर तो मान लेते हैं क्लेयर लेयर का थिकनेस क्या बोल रहा है टाइम्स थिकनेस ऑफ सैंड लेयर तो मान लो ये सैंड का, layer का thickness है Z. तो टू जेड है ना और क्या बोल रहा है क्ले लेयर तो यहां पे क्ले कि, लेयर कितना हो जाएगा थ्री जेड हो जाएगा यही हो रहा है क्या मेरे दोस्त डायग्राम याद था सब रट्टू तो बना हुआ है ठीक है चलो तो अब मेरे दोस्त ये वाला पार्ट हमने डन कर दिया अब हमको क्या बोल रहा है रेशियो ऑफ द इक्वाल वर्टिकल एंड पैरेलल सो के एवरेज पैरेलल अगर हम बात कर ले तो क्या हो जाएगा पहले फॉर्मूला लिख लो के वन जेड वन प्लस के टू जेड टू प्लस के थ्री जेड थ्री होल डिवाइडेड बाई के वन जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री ठीक है बात होल डिवाइडेड भाई जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री तो अब यहां से मेरा फॉर्मूला क्या है मेरे दोस्त यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो हंड्रेड प्लस यहां पे क्या आ रहा है ट्वेंटी प्लस यहां पे क्या आ रहा है थ्री और नीचे में क्या आ गया सिक्स तो यहां पे मेरा आ जाएगा के कितना आ रहा है ये वैल्यू हंड्रेड ट्वेंटी थ्री बाई सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी थ्री बाई सिक्स के अगला बात करते हैं के बराबर जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री डेट इज सिक्स जेड होल डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया जेड बाई हंड्रेड के प्लस दूसरा क्या हो गया टू जेड बाई टेन के तीसरा क्या हो गया थ्री जेड बाई थ्री जेड बाई के कितना आ रहा है वैल्यू अगर हम वैल्यू पेड़ जेड बाहर निकाल लेते हैं सिक्स डिवाइडेड बाई हंड्रेड के और इधर क्या हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा ये वन टेन टेन जा ये हो गया ट्वेंटी हंड्रेड को ये हो गया थ्री हंड्रेड यही हो गया मेरे दोस्त तो ये ऊपर चला गया तो ये कितना हो गया सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाई थ्री ट्वेंटी वन के हां सर अब रेशियो लोगे वैल्यू आ जाएगा रेशियो लोगे वैल्यू आ जाएगा सो व्हाट इज के एवरेज पैरलेल बाई परपेंडिकुलर पेंडिकुलर व्हाट इज के एवरेज पैरलेल बाई के एवरेज परपेंडिकुलर जल्दी से बताओगे व्हाट इज के एवरेज पैरेलल बाई के एवरेज पर पेंडलो साफ दिख रहा है पैरेलल वाला ज्यादा आएगा कितना आ रहा है सर टेन पॉइंट नाइन सिक्स एट फोर कितना वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू आर गेटिंग व्हाट इज द वैल्यू आर गेटिंग वैल्यू कितना आ रहा है, रहा है? देखो यहां पे यशवंत डाटा मिसिंग था बेटा परमिबिलिटी आपको क्ले और सिल्ट के बारे में नहीं बताया था वो मैंने आपको बता दिया क्ले और का नहीं बता है, वो मैंने आपको बता दिया टेन पॉइंट नाइन सिक्स फाइव टेन पॉइंट नाइन सिक्स सेवन फाइव सवाल क्या बोल रहा है सवाल यह बोल रहा है कि परमिबिलिटी ऑफ द सिल्ट लेयर दस गुना है क्ले से यह आपको डाटा में नहीं की बेने और परमिबलिटी ऑफ द सैंड इज टाइम्स डेट ऑफ द सिल्ट ठीक है तो पहले हमने क्या किया किसी एक को मान लिया हमने क्ले को देखा कि सबसे छोटा है तो उसकी परमिटी मान ली के अब क्या बोल रहा है परमिटी ऑफ द द सिल्ट इज टाइम्स ऑफ क्ले तो के हो गया सिल्ट का अब सैंड की सिल्ट से दस गुना है तो वो क्या हो गया हंड्रेड के हो गया तो पहले तो सिमिलरली हमने क्या किया डेप्थ को निकाल लिया सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि कोई भी एक मान लो कोई भी एक मान लो तो मैंने उसको देखा जो सबसे छोटा है तो हमको क्या दिख रहा है हमको दिख रहा है कि सैंड सबसे छोटा डेप्थ का दिख रहा है तो सैंड को मान लिया उसके बाद सिल्ट निकाल लिया सेल्ट निकालने के बाद क्या निकाल लिया क्ले का डेप्थ निकाल लिया ठीक है बात और उसके बाद एवरेज निकाल लिया दोनों के लिए ठीक है उसके बाद एवरेज निकाल लिया दोनों के लिए क्लियर है बात क्लियर है बात चलिए तो हमने क्या देखा मेरे दोस्त अभी हमने कंपैरिजन किया है वी हैव डन द कंपैरिजन थ्री जेड कैसे हुआ थ्री जेड कैसे हुआ वाह मेरे दोस्त देखो यहां पे क्या बोल रहा है टू थर्ड ऑफ द थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर ये जो टू जेड है टू थर्ड ऑफ थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर है तो क्ले लेयर का अगर थिकनेस जेड डैश है टू टू चला गया क्या हो गया टू टू चला गया क्या हो गया थ्री जेड हो गया वैब ऑफ क्लियर है बेटा वैब ऑफ क्लियर है बोलोगे यार वैब ऑफ चलो तो यहां पे हमने क्या देखा जब हमने एवरेज लिया है जब हमने एवरेज लिया है जब हमने रेशियो लिया है तो हमको पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन ज्यादा मिला है उसी सवाल के लिए कंपेयर टू डेट ऑफ द परपेंडिकुलर तो ये मेरा जनरल एक नोट है कि एवरेज प्रॉमिटी पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन इज मोर देन द एवरेज प्रॉनिमिटी परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल इज द पॉइंट क्लियर टू एवरी चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे गेट का ही क्वेश्चन है अच्छा सवाल है ओके आई थिंक यू कैन सी दिस दिख रहा है सबको प्रॉपरली दिख रहा है सबको एक बार देख लो डाटा दिख रहा है छह सौ एम एम तीन सौ एम एम डेढ़ सौ डेढ़ सौ डाटा सबको प्रॉपर्टी दिख रहा है एकदम प्लीज सॉल्व इट एवरी वन डिफिकल्ट लैंग्वेज है यही तो पढ़ना है ना था तो बड़ा सिंपल बस पढ़ना था दिमाग लगाना था चलिए प्लीज सॉल्व इट एवरी वन प्लीज सॉल्व इट एवरी वन सबसे पहले यह पहचानना है कि फ्लो जो है देखो फ्लो कैसे हो रहा है यह मेरा हेड लॉस है तो जो फ्लो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है फ्लो जब ऐसे हो रहा है तो एक कौन सा पार्ट है पैरेलल टू बेडिंग प्लेन या परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन यह कौन सा पार्ट है पैरेलल टू टू बेडिंग बेडिंग प्लेन प्लेन या परपेंडिकुलर सोच के देखते हैं जितना डिस्चार्ज यहां से जा रहा है उतना ही डिस्चार्ज यहां से ही जा रहा है साफ दिख रहा है यह बात तो अगर ऐसा होता है सो द फ्लो इज परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन बस इतना दिमाग लगाना इतना दिमाग लगाना हो गया आंसर हो गया आंसर चलो सर इज दिस एनी मोर अ क्रैश कोर्स सच बोलना इज दिस एनी मोर अ क्रैश कोर्स द वे यू आर लर्निंग द वे यू आर टेकिंग ए लर्निंग अप ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज दिस अ क्रैश कोर्स कौन सा नुमड़कल आप नहीं कर रहे हो कौन सा क्वेश्चन आप नहीं बना रहे हो प्लीज सॉल्व मैंने पहले बोला है जियोटेक में तेरह में तेरा दिला के रहूंगा मेरा गारंटी है आप अगर कंटिन्यूस रहोगे तेरह में तेरा लाना मे, दिलवाना मेरा काम है सॉल्व करने में उत्कर्ष मैं देख रहा हूं आपका बहुत दिन से ही डाउट है बेटा प्रैक्टिस करो क्लास के बाद जितना क्वेश्चन लगाओगे उतना बढ़िया है तो वेरी सुन आई एम गोइंग टू टेक अ सेशन विनीत जैन विनीत जैन के बारे में आप लोग जान ही रहे हो ठीक है विनीत जैन के बारे में आप लोग जान ही रहे हो तो लास्ट ईयर इन थर्ड ईयर में रहते हुए दैट इज गेट ट्वेंटी टू में उसका ए आई आर ट्वेंटी सेवन था उसने ऑलमोस्ट मेरे से सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे जितने मेरे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं उसका एक कंप्लीट एक सेशन लेने वाला हूं जहां पे ही विल बी टेलिंग यू कि वो पर डे अभी कितने क्वेश्चंस लगा रहे हैं इतना प्रैक्टिस कहां से कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं एक एक बात वो आपसे डिस्कस करने वाले हैं प्लीज आंसर everyone.

क्वेश्चन टू वुड बी दो की पॉन्डिटी कितनी होगी ये आपको बोल रहा है दो की पॉन्डिटी क्या होगी आपसे बोल रहा है ओके आयुष का मेंस हो चुका है इंटरव्यू का वेट कर रहा है वो आयुष का मेंस क्लियर हो चुका है मेरा दोस्त चलो पॉइंट जीरो फाइव यूनिट क्या है मेरा दोस्त एम पर सेकंड ओके सर आपको सेकंड का निकालना है अप्रोच क्या होना चाहिए अप्रोच ये होना चाहिए मेरा कि हमको डिस्चार्ज पता है हम पूरे को एक सोयल अगर मान ले हम पूरे को एक सोइल मान ले तो हम क्या लिखेंगे डिस्चार्ज बराबर के इंटू आई इन A ए अब ये जो के है ये के एवरेज होगा ये जो के होने वाला है ये के एवरेज हम पूरे सॉइल को वन मान लिए और फिर हम बोले इट इज के एवरेज सो क्यू बराबर क्या हो गया जितना वॉल्यूम पास कर रहा है पर यूनिट टाइम के एवरेज और आई क्या है जितना हेड लॉस हुआ अपॉन लेंथ ऑफ फ्लो मल्टीप्लाई विद द क्रॉस सेक्शन एरिया जिससे फ्लो हो रहा है अब अगर हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी वॉल्यूम ऑफ फ्लो वॉल्यूम कितना है मेरे दोस्त 200 सौ यूनिट्स का ध्यान रखना है 200 सौ और टाइम कितना बोल रहा है पंद्रह मिनट तो एक एम में कितना सी होता है वन एम एल बराबर वन सी और मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर दें तो यहां पे क्या हो गया सी पर सेकंड यहां तक कोई डाउट क्या यहां पे हो गया सी पर सेकंड इधर आपका आया सीसी पर सेकंड यूनिट्स का ध्यान रखना है मेरे दोस्त पूरा गेम यूनिट का है वन एम एल बराबर वन सी राइट वहां से हमने याद किया अब यहां पे बात करें क्या के एवरेज हेड लॉस कितना तो यहां पे देखो 600 सौ एम mm, एम यहाँ पे तीन सौ mm. तो टोटल हेड लॉस कितना हो गया 600 सौ माइनस तीन एंड व्हाट इज लेंथ ऑफ फ्लो लेंथ ऑफ फ्लो इज 300 हंड्रेड एम mm. तो एम 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 कैंसिल हो गया क्या देखो तो यहां पे ऊपर भी एम mm एम है नीचे भी एम mm एम है क्या ये कैंसिल हो गया क्या कैंसिल हो गया आपको एरिया दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एवरी वन प्लीज फोकस ऑन द यूनिट मैंने ये पूरा इसलिए लिखा है ताकि मैं यूनिट्स पर आप साथ काम कर सकूं मैंने ये पूरा इसलिए लिखा है क्योंकि मैं कंप्लीट यूनिट के साथ आप साथ काम कर सकू प्लीज फोकस यर देखो यहां पर तो माई डियर फ्रेंड अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यह चला गया सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब को काट देगा बचेगा यहां पर सेंटीमीटर बचेगा यहां पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर राइट अब यहां पे आपको जो के एवरेज मिलने वाला है वो किस में मिलने वाला है अब आपको जो के एवरेज मिलने वाला है मेरे दोस्त वो मिलने वाला है 200 सौ बटे पंद्रह बटे साठ बटे अस्सी और यह आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में लेकिन मेरे दोस्त आपको आंसर किस में बोला है आपको आंसर किस में बोला आपको बोला एमएम पर सेकंड में सो वट आई एम गोइंग टू डू आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ टेन सो डैट आई गेट द आंसर इन एम एम पर सेकेंड यहां तक कोई डाउट किसी को तो यहां पे देखो ये और ये चला गया ये चला गया ठीक है और क्या चला गया मेरे दोस्त ये तीन ये चार ये चार काटेगा का ही हो जाए दो, तो ये कितना हो गया वन डिवाइडेड बाई स थर्टी सिक्स वन बाई थर्टी सिक्स एम एम पर सेकेंड क्या अभी तक मैंने कोई भी अप्रोक्सीमेशन लिया है क्या अभी तक मैंने कोई भी अप्रोक्सीमेशन लिया टेल मी यस और नो हैव आई टेकन एनी अप्रोक्सीमेशन टेल नाउ मैंने अभी मेरे पास फाइनल रिजल्ट नहीं आया है मैं मेरे पास अभी कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया है आई हैव टेकन एनी अप्रोक्सीमेशन बिकॉज ये एनएटी है अगर मैं कहीं भी थोड़ा भी अप्रोक्सीमेशन लूंगा हो सकता है मेरे आंसर में एरर आ जाए इज इट क्लियर इज इट क्लियर प्लीज फोकस तो मेरे दोस्त यहां पे मेरा आंसर आया वन बाई थर्टी सिक्स एम एम पर सेकेंड अब जरा यहां पे ध्यान देते हैं सो दिस इज योर के एवरेज So, मेरे पास क्या फॉर्मूला है के एवरेज इज इक्वल टू जेड वन बाई जेड वन प्लस जेड टू डिवाइडेड बाई जेड वन बाई के वन प्लस जेड टू बाई के टू यही होगा तो यहां से जरा चेक करो वन बाई थर्टी सिक्स जेड वन आपका कितना है वन फिफ्टी जेड टू भी आपका वन फिफ्टी नीचे में क्या हो गया वन फिफ्टी डिवाइडेड बाई के वन के वन आपको कितना था पॉइंट जीरो टू और ये कितना हो गया वन फिफ्टी डिवाइडेड बाई के टू यही दोस्त अब देखो यहां पे और छोटा कैसे कर सकते प्लीज फोकस करके सुनोगे क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे बनाने यही इंपॉर्टेंट है वन फिफ्टी कॉमन होता हुँ, करता हुआ दिख रहा है वन बाई थर्टी सिक्स इज इक्वल टू वन अपॉन यहां पर अगर हम जीरो ऊपर ले गए अगर हम जीरो ऊपर ले गए वन फिफ्टी काट दिए तो यहां बचा टू इधर कितना बचा कैन आई सी एट दिस विल बी फिफ्टी क्योंकि अगर आप ऊपर हंड्रेड दे रहे हो टू बाई हंड्रेड क्या हो गया फिफ्टी हो गया मेरे दोस्त? Plus by K2. अब बोलो ये सॉल्व करना ज्यादा आसान है कि नहीं है अब बोलो ये सॉल्व करना ज्यादा आसान है कि नहीं है अब यहां पे एरर आने का चांस कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सो पॉइंट जीरो फोर फाइव एम एम पर सेकेंड आपका आंसर आ रहा होगा तो आंसर हो गया पॉइंट जीरो फोर फाइव Mm per second. आपका हो गया Clear है तक बोलोगे मेरे दोस्त तो सर it's not just about कि आपने कहीं से question बना लिया आपके पास question है आपने व्यू देखा आपने पीछे का आंसर देखा आपने बना लिया लेकिन मेरे दोस्त यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको एग्जाम में कैसे अप्लाई करना है ठीक है उस क्वेश्चन का मतलब क्या है एवरेज का मतलब क्या है हम कैसे यूज कर रहे हैं किस समय आंसर ला रहे एक एक चीज मैटर करता है क्लियर है बात अरे बोलोगे इज द पॉइंट क्लियर टू इज द पॉइंट क्लियर टू एवडी वन जल्दी से बताएंगे मेरे दोस्त मेरा न्यूमेरिकल कराने का एक ही पर्पस होता है कि आपको समझ में आए कि एग्जाम में कहां पे गलती आप कर सकते हो मैंने हर बार बोला है अगर तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं आया है तो अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है फ्रैक्शन में डाल के रखो ज्यादा आसान है जितना तुम आप डेसिमल में लाओगे उतना तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन बढ़ता जाएगा और हो सकता है तुम्हारे फाइनल आंसर में गलती हो जाए ठीक है चलिए नाउ माय डियर फ्रेंड यहां पे टर्म डिफाइन करें कोफिशंट ऑफ एब्सोल्यूट परमिबिलिटी डिनोटेड बाय के नॉट के नॉट तो के नॉट क्या डिफाइन होता है के इन टू म्यू बाई गामा इन टू म्यू बाई गा अगर हम परम्यूबिलिटी को म्यू बाई गामा से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब सोच के देखना क्या ये सिर्फ और सिर्फ मैटेरियल प्रॉपर्टी बन गया क्या क्या ये सिर्फ और सिर्फ मैटेरियल प्रॉपर्टी बन गया क्या क्योंकि जो फ्लूड प्रॉपर्टी का जब हम के से उल्टा मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो वो तो रिमूव हो गया तो क्या ये नाउ सिर्फ और सिर्फ मैटेरियल प्रॉपर्टी हो गया क्या तो इसको हम बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ एबसुलूट परम्यूबलिटी इसको हम बोलते हैं क्विफिशियंट ऑफ एबसुल्यूट परमिबिलिटी क्लियर है बात चलिए आंसर करेंगे मेरे दोस्त आंसर करेंगे फटाफट से आंसर करेंगे क्या ना मेटलर्जी स्टूडेंट गिव गेट विद द सीएस बेटा आदर्श इसका एक ही जवाब आप दे तो सकते हो कोई पीएसयू के लिए आप एलिजिबल नहीं हो हाँ कोर ब्रांचेस आई आप आई में जा सकते हो लेकिन वहां पे डिपेंड करेगा आपको कोर ब्रांचेस मिलता है कि नहीं चलिए प्लीज सी है प्लीज आंसर प्लीज आंसर इट फास्ट यूनिट्स का ध्यान रखना है ये क्वेश्चन आपको यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूं ये क्वेश्चन मैं आपको यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूं मेरे दोस्त प्लीज आंसर प्लीज आंसर एवरी वन यूनिट्स का ध्यान थ्री पॉइंट एट सेवन फोर अनिकेत बोल रहा है थ्री पॉइंट एट सेवन फोर थ्री पॉइंट एट सेवन थ्री फाइव सुरुचि का भी आ रहा है चलो मैच हो गया मतलब मैच हो गया मतलब गुड थ्री पॉइंट एट सेवन भी आ गया चलो और दो तीन आंसर दे दो स्टार्ट करते सॉल्यूशन थ्री पॉइंट एट सेवन प्रणव का भी आ गया एट सेवन वन फाइव ओके तो यार यहां पे के नॉट निकालना है के नॉट बराबर के इंटू म्यू बाई गामा दैट इज के इंटू गामा बाई म्यू बाई गामा राइट तो के बराबर क्या हुआ यूनिट का ध्यान देंगे आपको दिया हुआ फोर पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस टू यूनिट क्या है एम एम पर सेकेंड यही दिया हुआ है mm पर सेकेंड विस्कोसिटी है पॉइस पॉइस मतलब क्या हुआ अगर हम पॉइस की बात कर रहे हैं तो मेरे पास हो गया पॉइस को हम न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर देखो कन्वर्जन मारेंगे मेरे दोस्त कन्वर्जन मारेंगे और ऊपर में गामा गामा क्या लिखोगे गामा क्या लिखोगे नाइन एट वन जीरो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या नाइन एट वन जीरो न्यूटन पर मीटर क्यूब राइट न्यूटन पर मीटर क्यूब यही होगा ना मेरे दोस्त यही होगा यही होगा बोलोगे तो अब देखो यहां पे मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया न्यूटन न्यूटन चला गया न्यूटन न्यूटन चला गया चला गया क्या चला गया क्या बोलो तो चला गया क्या अब अगर ये चला गया अब अगर ये पार्ट आपका चला गया तो जरा और ध्यान देंगे फर्दर जरा और ध्यान देंगे फर्दर मेरे दोस्त यहां पे क्या दिख रहा है फोर पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन टू यहां पे मेरा एम पर सेकेंड है यहां पे मेरा एम पर सेकेंड है ओ हो 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 हो, हो। वही तो मैं सोचूं, कुछ तो लोचा हो गया हाँ भाई ऊपर में कितना है एट इंटू टेन टू पावर माइनस वन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और इधर आपका है इधर आपका है नाइन एट वन जीरो न्यूटन पर मीटर क्यूब अब सही है क्या चेक करना तो अब सही क्या चेक करना दो तो अब यहां पे न्यूटन न्यूटन चला गया सेकंड सेकंड चला गया मीटर स्क्वायर चला गया तो मतलब मेरे को यहां पे क्या बच रहा है मेरे को यहां बच रहा है मीटर मेरे को यहां क्या बच रहा है मीटर तो अगर मेरे को mm में मीटर ऊपर जा रहा है तो अगर मेरे को mm में कन्वर्ट करना है तो टेंथ पावर थ्री से मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मेरे को एम एम में लाना है तो टेंथ पावर थ्री से मल्टीप्लाई कर दूँ बहुत लोगों ने यह नहीं किया होगा सच बात है कि नहीं बहुत लोगों ने यह नहीं किया होगा तो फोर पॉइंट सेवन फाइव टेन पावर माइनस टू इंटू एट इंटू टेन के पावर टू डिड बाई नाइन एट वन जीरो काम नहीं किए थे सच बोलना कितने लोग ये आंसर नहीं किए थे? थे बताओ 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 कितने लोग ये टेन पावर थ्री मल्टीप्लाई नहीं किए थे यहां पे नाइन पॉइंट एट वन रख दिए थे क्योंकि याद था नाइन पॉइंट एट वन होता है गामा का वैल्यू और आगे बढ़ गए थे किया था सबने किया था चलो बढ़िया कितना रहा आंसर आंसर बताओगे व्हाट इज द आंसर व्हाट इज द आंसर एकदम तो यार देखो मुझे पता है कहां पे गलती करोगे तो इसलिए मैं एक एक यूनिट करके लिख के दे रहा हूं गामा का कन्वर्जन नहीं किया पहले ही बोले नहीं किया होगा और इसलिए अभी आपका आंसर भिड़ गया वो बात अलग है आंसर भिड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे दोस्त आंसर भिड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है आंसर तो भीड़ ही जाता है लेकिन बात है कि सही तरीके से आंसर करना इंपॉर्टेंट है सो दिस इज थ्री पॉइंट एट सेवन ठीक है क्लियर है बात चलो ओके सो दैट्स ऑल बेसिक्स ऑफ पर्मिटी वी हैव कवर्ड नाउ देर आर सर्टेन लैब मेथड्स जो आपको जानना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है देर आर सर्टेन लैब मेथड्स जो आपको जानना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जैसे सबसे पहला लैब मेथड हम बात कर रहे हैं डेट इज कॉन्स्टेंट परमिबिलिटी कॉन्स्टेंट परमिबिलिटी मेथड है कॉन्स्टेंट हेड मेथड अभी कॉन्स्टेंट हेड मेथड में क्या होता में है कंटिन्यूस एक हेड मेंटेन करते हैं और फ्लो को होने देते ठीक है वी मेजर द डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉटम राइट वी मेजर द डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉटम लेटस से दिस इज अ मोल्ड और इस मोल्ड में ओवर अ लेंथ हम फ्लो मेजर कर रहे हैं वी आव मेंटेन अ कॉन्स्टेंट हेड फॉर द फ्लोर टू टेक प्लेस वी एव मेनटेन द कॉन्स्टेंट हेड फॉर द फ्लोर टू टेक प्लेस इफ आई से क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए इफ आई से डेट द क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए एंड आई हैलेक्टेड वॉल्यूम वी इन टाइम टी आईव कलेक्टेड वॉल्यूम वी इन टाइम टी देन माई डियर फ्रेंड देखो डिस्चार्ज बराबर क्या हुआ डिस्चार्ज बराबर वॉल्यूम कलेक्टेड इन टाइम टी और क्योंकि डार्सी लॉ फॉलो कर रहा है तो डिस्चार्ज बराबर क्या लिखेंगे के इनटू हेड कॉजिंग फ्लो अपॉन लेंथ ऑफ फ्लो मल्टीप्लाई विद द क्रॉस सेक्शनल एरिया बस हो गया हमको यहां से परमिलिटी डिटरमाइन हो गया वी हैिटी फ्रॉम दिस पार्ट तो सर क्या हमको ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा टू डिटरमाइन द परमलिटी क्या हमको ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा टेल मी यस और नो यस नो वी कांट वी डोंट हैव टू मग अप द फॉर्मूला तो सर ये तो आपको बेसिक प्रोसेस बताए कि क्या होता है कि आप ओवर अ लेंथ एल आप मेजर करते हो एट अ कॉन्स्टेंट हेड फ्लो को ठीक है आप कितना पानी कलेक्ट कर रहे हो इन टाइम टी वो मेजर करते हो अब सर ये जो मेथड है दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर कोर्स रेन्स सॉइल वाई सर थड इज डिफाइंड ओनली फॉर कोजेंट स्वाइल बट नॉट फॉर दाइंग्रेंड उसका रीजन है उसके प्रोसेस में आप एक समय में एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ पानी कलेक्ट कर रहे ये कलेट कर हो अभी वॉल्यूम तुम इसमें कलेक्ट कर पाए क्योंकि उसकी परमिटी सफिशियंट थी अगर परमिबिलिटी कम होती तो क्या तुम उस सॉइल की आप नहीं कर पाए होते एंड दैट इज द रीजन वी आर नॉट डिफाइनिंग फॉर द फाइंग्रेन स्वल वी आर डिफाइन ओनली फॉर द कोजेंट स्वाइल ठीक है टाइम जो लगेगा फाइन ग्रेड बहुत ज्यादा होगा इस कारण हम उसके लिए नहीं जाते इज इट क्लियर इज इट क्लियर टू एवरी इज इट क्लियर टू एवरी सो ये बात हो गया आपका किसके लिए फॉर द कॉन्स्टेंट हेड मेथड ये बात हो गया आपका किसके लिए कॉन्स्टेंट हेड मेथड लिए फटाफट आंसर पड़ करेंगे फटाफट आंसर करेंगे बात समझ गए तो आंसर करेंगे बहुत इजी सवाल है कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड सवाल है अलग सवाल है आपने पहले नहीं किया है यू हैवेंट डन बिफोर यू हैव एन डन बिफोर सेफ इन नॉर्मल वाटर एयर बबल इज देयर देन इट ब्लॉक द फ्लो पैसे दम होगा एक दम होगा फ्लो पैसे ब्लॉक होगा इट विल प्रोवाइड रेजिस्टेंस लेकिन यहाँ से मतलब क्या है चलिए प्लीज आंसर प्लीज आंसर प्लीज आंसर द क्वेश्चन एवरी वन आई एम ट्राइंग की न्यूम्रिकल्स बढ़ाएं आपके लिए क्वेश्चन आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो कॉन्सेप्ट के साथ न्युमरिकल लगाओ ताकि उस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना आपको पता रहे अब यहां पे कॉन्स्टेंट हेड परमिबिलिटी लगा दिया स्ट्रेटिफाइड भी लगा दिया कॉन्स्टेंट हेड परमिबिलिटी भी लगा दिया स्ट्रेटिफाइड भी, भी लगा दिया अब दोनों का कॉन्सेप्ट वही अप्लाई कर पाएगा जो बेसिक समझता है बी आ रहा है क्या बता दे आदर्श अरे बोल तो दिया दे सकते हो लेकिन आप पीएसयू के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो चलिए फर्स्ट पेपर ही रह सकते और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास चलिए यहाँ पे फोकस करेंगे आपका पहला पेपर ही हो सकता है और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास सवाल पढ़ेंगे जवाब अपने आप मिल जाएगा सवाल को जितना आप बनाओगे उतना क्लियर मिलेगा क्या बोल रहा है कॉन्सेंट्रेड परमिट इज कंटेन स्ट्रेटिफाइड स्वल सैंपल विथ टेन सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैविंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ट्वेंटी टू सेंटीमीटर स्क्वायर तो लेंथ आपको कितना दे दिया टेन सेंटीमीटर लेंथ आपको दे दिया टेन सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया बोला कितना ट्वेंटी टू सेंटीमीटर स्क्वायर ये स्ट्रेटिफाइड है द फ्लो इज टेकिंग प्लेस विदोसिटी ऑफ टू पॉइंट सेवन टू फाइव इंटेन पॉइंट टू सेंटीमीटर एम एम पर सेकेंड पर पेंडिकुलर टू प्लेन सो लेटे से दिस इज प्लेन फ्लो ऐसे हो रहा है सो इट इज परपेंडिकुलर टू द बिल्डिंग प्लेन आपको डिस्चार्ज वेलोसिटी गिवन है v बराबर टू पॉइंट सेवन टू फाइव इंटू टेन पर माइनस टू सेंटीमीटर सेकेंड यह आपको गिवेन है वट इज द्लो वेन दॉयल सैम्पल हैज दर्विटी ऑफ थ्री इंटू टेन फॉर द फर्स्ट हाफ दो पार्ट में बोल रहा है पहले पार्ट में बोल रहा है थ्री इंटू टेन पर माइनस टू एम एम पर सेकेंड ये फर्स्ट हाफ में फर्स्ट हाफ मतलब मान लो इसको क्या बोल रहे हो टोटल लेंथ दस सेंटीमीटर तो यहां पांच सेंटीमीटर मान लो ठीक है थ्री इंटू टेपर माइनस थ्री पर सेकेंड इन द सेकेंड हाफ थ्री इंटू टेनपाइनस एम एम पर सेकेंड इन द सेकेंड हाफ तो दो अलग, अलग अलग लेयर है दो अलग अलग लेयर है मेरे दोस्त देर आर टू डिफरेंट लेयर्स ये बहुत बढ़िया सवाल है मेरे दोस्त अगर आपको समझ में आएगा तो ये सवाल बहुत बढ़िया है मानते हैं कि नहीं बोलो आपने ऐसा सवाल पहले लगाया है कि आपने ऐसा सवाल पहले कहीं गेट में लगाया है मुश्किल है मुश्किल है राइट मुश्किल है सही बात है ना मुश्किल है तो सवाल क्या बोल रहा है देखो यहां कांस्टेंट रेट पर्विटी टेस्ट आपने बोल रहा है आपको लेंथ दे दिया सेक्शन सब कुछ दे दिया अब आपको क्या बोल रहा है इसमें बहुत सा डाटा कोई काम का भी नहीं है यहां पे बहुत सा डाटा कोई काम का भी नहीं है है ना अब आपको क्या बोल रहा है कि अब अब देखो, जो जो होगा, होगा, वो वो दोनों दोनों पार्ट पार्ट का बनेगा। बनेगा, में बोलो या ना? अगर हम लॉस थ्रू द फर्स्ट बात करें तो फॉर फर्स्ट हाफ फॉर फर्स्ट हाफ अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट हाफ में हमको क्या मिलेगा वी वेलोसिटी ऑफ फ्लो तो सेम रहेगा तो वी बराबर के अपर लॉस वन ले रहे अपॉन लेंथ ऑफ फ्लो यही लोगे लोगे यही लो तो यहां पे अगर आप वेलोसिटी दे रहे हो वेलोसिटी कितना है आपका 2.725 पॉइंट सेवन टू फाइव इंटू टेन टू माइनस टू के अपर लेयर का कितना है थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस टू एम एम एमएम कोई प्रॉब्लम नहीं लॉस हमको निकालना लॉस और यहां पे लेंथ ऑफ फ्लो कितना पांच सेंटीमीटर है 5 तो इसको मान लेते पांच तो अगर हम यहां हैं मेरे दोस्त तो ये जो लॉस आएगा ये भी सेंटीमीटर में आएगा ये जो लॉस आएगा ये भी सेंटीमीटर में आएगा टेनपाइनस टू टेनपाइनस टू चला गया 10 10 लॉस वन कितना आ रहा है जल्दी बताएंगे सेंटीमीटर में आपका आएगा सेंटीमीटर में आपका आएगा जल्दी से बताओगे व्हाट इज दिस एच एल वन वट इज दिस एच एल वन यस ये एच एल वन कितना आ रहा है वट इज द वैल्यू ऑफ दिस एच एल वन बताएंगे मेरे दोस्त 4.54 आ रहा है 4.54 सेंटीमीटर आ रहा है 4.54 सेंटीमीटर आ रहा है चलिए सर ये आपका पहला पार्ट हुआ सर इट इज 4.54 सेंटीमीटर दूसरे पार्ट में बात करते हैं दूसरे पार्ट में हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे दोस्त इन द सेकेंड पार्ट वेलॉसिटी सेम रहेगा के लोअर लेयर हो गया इन टू लॉस फॉर द लोअर लेयर अपॉन लेंथ ऑफ लो फॉर द लोअर लेयर तो वेलॉसिटी आपको कितना गिवेन है वेलॉसिटी आपको गिवेन है टू पॉइंट सेवन टू फाइव ये तो सेम रहेगा टू पॉइंट सेवन टू फाइव पावर टेन टू माइनस टू ओके अगर परमिबिलिटी बात हैं तो परमिटी आपका कितना हो गया थ्री इंटू टेन पर माइनस थ्री है मेरे दोस्त थ्री इंटू टेंथ पर माइनस थ्री आपको एच एल टू निकालना है एंड द लेंथ ऑफ फ्लो दाइव सेंटीमीटर लेंथ ऑफ फ्लो इज फाइव सेंटीमीटर राइट तो अब अगर हम यहां पे एच एल टू निकालना चाह रहे हैं तो टेंथ पर माइनस टू कटा यहाँ 1 बच गया तो एच एल टू आपका क्या हो जाएगा टू पॉइंट सेवन टू फाइव इंटू फाइव डिवाइडेड बाई थ्री मल्टीप्लाई विथ टेन क्योंकि 10 पर माइनस वन नीचे था ऊपर चला गया कितना आ रहा है मेरे दोस्त आंसर कितना आ रहा है मेरे दोस्त आंसर वट इज द आंसर गेटिंग फोर्टी फाइव पॉइंट फोर वन फोर्टी फाइव पॉइंट फोर वन ये आ रहा आपका कितना में सेंटीमीटर में तो अगर टोटल हेड लॉस बात करोगे सो डैट इज नथिंग बट एच एल वन प्लस एच एल टू है ना एच एल वन कितना है था फोर पॉइंट फाइव फोर और ये कितना है फोर्टी फाइव पॉइंट फोर वन मतलब लगभग आपका कितना आ गया पचास सेंटीमीटर लगभग आपका कितना आ गया पचास सेंटीमीटर ये देखो बहुत लोग बी आंसर दे रहे थे व्हाट इज द आंसर माय डियर फ्रेंड व्हाट इज द आंसर बहुत लोग बी आंसर दे रहे थे दे रहे थे क्या बहुत लोग बी आंसर दे रहे थे आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा डी होगा कैसा लगा सवाल कैसा लगा सवाल बताओगे अब हां भाई नया सवाल मिला नया सवाल मिला के एवरेज लेके नहीं बना सकते बेटा K -average के एवरेज लेके कैसे बनाओगे आपको डिस्चार्ज बराबर के आ ये भी लोगे तो आपको पता ही नहीं है के एवरेज भी अगर आप लेते हो मान लो के एवरेज लेके चल रहे हो ठीक है तो आपको बोल रहा है कि टोटल हेड लॉस कितना होगा टोटल हेड लॉस कितना होगा वैसे भी के एवरेज भी अगर लेते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो सेम आंसर आना चाहिए सेम आंसर आएगा सेम आंसर आएगा हाँ वी बराबर के एवरेज इन से भी आ जाएगा मान लो कि आपने इसका क्या कर दिया आपने के एवरेज निकाल दिया यू फाउंड द के एवरेज और के एवरेज बाद आपको वेलोसिटी पता है आपको लेंथ ऑफ फ्लो पता है आप एच निकाल सकते हो डेट इज द ऑप्शन क्लियर है मजा आया सर सवाल में मजा आया क्या टी नहीं है टी क्या होगा टी का रिक्वायरमेंट क्या है वाई यू रिक्वायर टी वाई यू रिक्वायर टी दर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टी वो आपको टी चाहिए क्यों Q के ये चाहिए होता है या वी बराबर के इंटू आई कर दो वी बराबर के इंटू आई कर दो राइट तो आपको वेलोसिटी तो पता है के एवरेज आप निकाल लिया आई इजलॉसो इफ यू यूज के एवरेज अगर हम के एवरेज से भी चलते हैं तो मान लो आप के एवरेज पहले निकाल लिए के एवरेज निकल जाएगा वी बराबर के एवरेज इंटू आई आई क्या ऑफ फ्लो तो वी ऑलरेडी गिवन है के एवरेज आप निकाल चुके हो लेंथ ऑफ फ्लो इज़ मच टेन सेंटीमीटर हेड लॉस निकल जाएगा उसमें टाइम क्यों चाहिए, time? Time चाहिए ही नहीं आपको टाइम का, का काम ही नहीं है क्लियर है no चलो, 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 भैया मेरे एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए बहुत बढ़िया सवाल हमने किया है गुड क्वेश्चन राइट क्योंकि ये सवाल में बोगस डाटा बहुत गिवन था ये सवाल में बोगस डाटा बहुत गिवन था और नो डाटा इन दिस क्वेश्चन और यह बोगस डाटा आपको क्या किया कंफ्यूज किया किसेंट्रेट परिटी टेस्ट कर दिया ये कर दिया एरिया दे दिया वो दे दिया आप कंफ्यूज हो गए क्या कर सकते हैं लेकिन मेरे दोस्त तो कोई यूज ही नहीं था यहां पर आप डायरेक्ट कर सकते थे विदाउट एनी यूज ऑफ डैट राइट तो डैट इज द इंपॉर्टेंस जहां पर आप समझते हो कि बोगस डाटा से कैसे गेम खेलना है ठीक है क्लियर है बात अभी भी कंफ्यूज है मनीष क्लियर है ना भाई एरिया देखकर कंफ्यूज हो गया कॉन्सेंट्रेट के कंफ्यूज हो गया लेकिन यहां पे कोई रोल नहीं था सही बात है क्या यहां पे कोई रोल नहीं था आप यहां पे आपने अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं भी पढ़ा होता तब भी ये जवाब दे दिए होते चलिए नेक्स्ट अगला बात करते हैं सर फॉलिंग हेड मेथड का द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज अ फॉलिंग हेड मेथड द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज फॉलिंग हेड मेथड अब हमने क्या बोला कॉन्सेंट्रेट मेथड में हम क्या कर सकते हैं हम हम

2.303 स्मॉल ए इंटू लेंथ ऑफ फ्लो स्मॉल ए क्या है एरिया ऑफ स्टैंड पाइप एल क्या है लेंथ ऑफ फ्लो होल डिवाइडेड बाई कैपिटल ए क्या है एरिया ऑफ मोल्ड इंटू टी टू माइनस टी वन टी टू माइनस टी वन टी टू माइनस टी वन किसको बोल रहे हैं टाइम टी टू और ये टाइम टी वन इंटू लॉग एच वन बाई एच टू तो मेरे दोस्त यू नीड टू मग अप दिस फॉर्मूला ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है प्रॉपर डेरिवेशन है, कराते हैं मेरे दोस्त कि जितना डिस्चार्ज जितना आपका टाइम T1 से T2 में या जितना फॉल करेगा उतना ही फ्लो इसके थ्रू हो रहा होगा जब इक्वेट करते हैं और वहां से आंसर निकालते हैं प्रॉपर इंटीग्रेशन होता है डेरिवेशन होता है लेकिन अभी के लिए बस फॉर्मूला याद रखना है ठीक है चलिए तो यू नीड टू रिमेंबर दिस फार्मूला यू नीड टू रिमेंबर दिस फार्मूला देखेंगे मेरे दोस्त अब जो आपने रिजल्ट निकाला है आपने फील्ड पे जो रिजल्ट निकाला है मतलब सॉरी जो आपने लैब में रिजल्ट निकाला वो कितना एक्यूरेट है वो कितना एक्यूरेट उस चेक होता है कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग मेथड में लेटेस्ट से लेटेस्ट से आपका टी बराबर जीरो पे आपका हेड है एच वन ठीक है टी बराबर टी पे टी वन पे द हेड कॉजिंग फ्लो इज़ एच टू और टी बराबर टू टी वन पे हेड फ्लो इज एच थ्री कैन यू सी द गैप द गैप इज ऑफ टी वन आर्स द गैप इज ऑफ टी वन टाइम टी वन यूनिट तो अगर आप टी वन टाइम इंटरवल में आप हेड चेज कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी कैसे है एच टू बराबर रूट ओवर एच वन इंटू एच थ्री एच टू बराबर रूट ओवर एच वन इंट एस बहुत बार आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल होता है डायरेक्टली डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव में डाटा गिवन होगा कोई भी डाटा आपको बताना होगा इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल बोलेगा कि अगर आपका टेस्ट रिजल्ट कंसिस्टेंट है तो एच वन क्या होगा एच टू क्या होगा एच थ्री क्या, क्या, क्या होगा ऐसा आपका सवाल आ सकता है क्लियर है बच्चा लोग अरे बोलोगे नो हाउ इज हाउ इज द जोश यस इज इट हाई Yes. एकदम एक एक बहुत बढ़िया भैया सिर्फ हाई नहीं लिखना होता है चैट सेक्शन में क्या भर देना होता है आग भर देना होता है आग भर देना होता है एकदम वेरी हाई क्या बात है क्या बात है चलिए तो सर ये जो हमने बात किया ये जो हमने बात किया ये सारा क्या था लैब मेथड था अब आपसे जो दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है परमिबिलिटी पे वो है आपका इनडायरेक्ट मेथड या आपके डिफरेंट मेथड जो एम्पेरिकल मेथड है अब एम्पेरिकल मेथड मतलब क्या इसका कोई प्रूफ होगा इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द दिकल मेथड विल विल बी बी एनी प्रूफ प्रूफ ऑफ दिस नो नो ये डायरेक्ट आपके रिजल्ट है ये डायरेक्ट आपके रिजल्ट है क्लियर है बात तो देखोगे यहां पर देखोगे यहां पर आपने फॉर्मूला दिया था के बराबर डी स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू इक्यूब अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा बाई म्यू इंटू के वन के टू के थ्री के फोर के फाइव के सिक्स यही आपने दिया था यही आपने पढ़ा था बोलो या ना अब यहां पे कॉजने कार्बन आए यहां पे कॉजने कार्बन आए उन्होंने क्या बोला देखो टर्म डिफाइन किया स्पेसिफिक सरफेस एरिया टर्म डिफाइन किया स्पेसिफिक सरफेस एरिया अब ये क्या हो गया भाई दिस इज वॉट सरफेस एरिया सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम तो अगर मान लो मेरे पास स्फेरिकल पार्टिकल है अगर मान लो मेरे पास एक स्फेरिकल पार्टिकल है जिसका डाया डी है तो उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कैसे लिखेंगे उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कैसे लिखेंगे अगर मान लो मेरे पास स्फेरिकल पार्टिकल है जिसका डाया डी है तो उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कैसे लिखेंगे देखो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर इज वट सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर इज वॉट बोलोगे सरफेस एरिया स्पेयर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर फोर पाई आर स्क्वायर मतलब नथिंग बट पाई डी स्क्वायर नथिंग बट पाई डी स्क्वायर फोर पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया बट पाई डी स्क्वायर वॉल्यूम कितना होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब दैट इज नथिंग क्यूब बाई सिक्स दैट इज नाई डी क्यूब बाई सिक्स हा या ना तो यहां पे क्या हो गया सिक्स बाई डी हो गया क्या सिक्स बाई डी हो गया क्या तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज नथिंग बट सिक्स बाई डी फॉर अ स्फेरिकल पार्टिकल स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज नथिंग बट सिक्स बाई डी फॉर अ स्फेरिकल पार्टिकल यहां तक कोई डाउट यहां तक कोई डाउट अब देखो यहां पे अब देखो यहां पे अगर हम इसको रिप्लेस करें देखो वहां डी स्क्वायर है तो के बराबर हम देखो क्या लिख रहे हैं वन बाई डी स्क्वायर को हमको हटाना है डी स्क्वायर को हमको क्या लिख सकते हैं कैन राइट थर्टी सिक्स बाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया का स्क्वायर इंटू क्यूब अपॉन वन प्लस ई इंटू गा बाई म्यू इंटू के वन के टू के थ्री के फोर के फाइव के सिक्स एम ए राइट यही लिख सकते हैं अब यहां पर इन सबको मिलाते हुए क्या लिखा गया वन बाई के के डैश इंटू वन बाई एस एस स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन वन प्लस गामा टू म्यू अब मेरे दोस्त यहां पे देखो ये फैक्टर दिख रहा है इस फैक्टर का नाम क्या है हम सारे सिक्स और एक थर्टी सिक्स जो कॉन्स्टेंट था उन सबको मिला के अगर हम एक कर दिए और बोल रहे वन बाई के के डैश तो मेरे दोस्त इस के के डैश को क्या बोल रहे कोजने कार्मन कॉन्स्टेंट इसी को हम क्या बोल रहे कोजने कार्बन कॉन्स्टेंट इज दर टू एवरी वन इसी को हम मोरे कार्बन क्लियर बात अब मेरे दोस्त मान लो आपके पास फेरिकल पार्टिकल नहीं है लेट अस से यू डोंट डोन्ट है स्पेरिकल पार्टिकल एंड यू नीड टू फाइंड द स्पेसिफिक सरफेस एरिया यू डोंट है स्फेरिकल पार्टिकल एंड यू नीड टू फाइंड द स्पेसिफिक सर्फेस एरिया कैसे निकालोगे देखोगे यहां पर स्पेसिफिक सरफेस एरिया फॉर पार्टिकल अदर देन स्फ़ेरिकल अदर देन स्फ़ेरिकल ठीक है अदर देन स्फ़ेरिकल तो कैसे निकालें ये समझोगे आपने सीव एनालिसिस किया वो पार्टिकल जस्ट ऊपर वाले सी पे से पास हो गया है उसका साइज ए है और उसके नीचे जो सीव है उस पर रुक गया है ठीक है आपने जब मान लो सी एनालिसिस किया तो कुछ पार्टिकल ऐसा है कि भैया जस्ट ऊपर वाले सीव पे रुका है जस्ट मतलब उसके ऊपर एक सीव सीव है है उसका साइज़ ए और जिस सीव पे रुका है उसका साइज बी है तो ऐसे सॉल का स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऐसे सॉल पार्टिकल स्पेसिफिक सर्फेस कैसे लिखेंगे सिक्स बाई रूट ओवर ए बी अगर मान लो पार्टिकल स्पेरिकल नहीं है अगर मान लो पार्टिकल स्पेरिकल नहीं है ठीक है अगर मान लो काश आपका स्पेरिकल नहीं है ठीक है वो कोई और पार्टिकल है तो उस केस में हम क्या कर रहे होंगे इन दैट पर्टिकुलर केस अगर मान लो हम सीव्स देख रहे हैं तो जिस सीप पे रुका है उसका साइज हम बोल रहे हैं बी उसके जस्ट ऊपर वाले सीप का साइज हम बोल रहे हैं ए, तो द स्पेसिफिक सरफेस एरिया फॉर दैट पार्टिकल विल बी सिक्स बाई रूट ओवर ए बी इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल काश हम मैकेनिकल पढ़ाते भाई मेरे मैकेनिकल में इतने बड़े बड़े महारतिया पढ़ लिए ना आपका जीवन सफल हो जाएगा मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ स्वदेश सर नेगी सर है ना अपूर्व सर यू हैव रामानंद सर राइट यू हैव आदित्य पाल सर यू हैव योर भाई नाम मतलब अमित दीक्षित सर राइट ए आई आर वन तीन ए आई आर वन है सारे एन आई टी से आई आई टीज आई आई टी क्या बात करते हो यार तुम यू द बेस्ट टीम ऑफ मैकेनिकल ऑफ द कंट्री इससे बढ़िया टीम कहीं नहीं है इससे बढ़िया टीम कहीं नहीं है पूरे इंडिया में ठीक है चलो देखो यहां पे देखो यहां पे क्लियर है पॉइंट मेरे दोस्त तो कॉज़नी कार्बन भी यहां पे होता है देखो यहां पे तो ये हो गया कॉज़नी कार्बन मेथड अब अगला बात करें परमिटिंग एल हाइजन मेथड तो के बराबर क्या लिखेंगे हम C इंटू डी टैंक का होल स्क्वायर C इंटू डी टैंक का होल स्क्वायर K बराबर सी इंटू डी टैंक का होल स्क्वायर अगेन ये C क्या है एल एनजेंगेंट C इज वॉट दिस इज एल एनज कॉन्स्टेंट वैल्यू कितना लिखोगे इससे पहले भी एक एल एनजेन आया था जब H मैथ आप निकाल रहे थे C बाई इंटू डी टेन याद आया मेरे दोस्त H मैथ्स तो ये वैल्यू क्या हो गया दिस वैल्यू इज हंड्रेड डिटेन आपका किस में जाएगा डिटेन जाएगा सेंटीमीटर में परमिबिलिटी में जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में परमिबिलिटी जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में और आपका डिटेन जाएगा सेंटीमीटर में क्लियर है बात यस yes? चलिए बहुत बढ़िया तो ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं फटाफट आंसर कर देंगे रद्दी क्वेश्चन बना लोगे बना लोगे ना यार ऐसे सवाल आएंगे ऑब्जेक्टिव में एक नंबर बना लोगे कि नहीं बना लोगे डी टेन दिया हुआ है हंड्रेड मल्टीप्लाई कर दोगे आपका वैल्यू आ जाएगा ठीक है तो ऐसे सवाल आते हैं चलो अगला है मेरा टेरजागी मेथड तो टेरजागी साहब ने क्या बोला परमेबिलिटी बराबर टू हंड्रेड इंटू ई स्क्वायर इंटू डी टेन या डी एफेक्टिव का होल स्क्वायर ऐसा ही कोई फॉर्मूला है क्या ऐसा ही कोई फॉर्मूला है क्या बोलोगे यार टेरजागी मेथड 200 हंड्रेड इंटू ई स्क्वायर इंटू डी एफेक्टिव का होल स्क्वायर। ऐसा ही कुछ फॉर्मूला है क्या बोलोगे यार टेरजागीज़ मेथड डी टेन होल स्क्वायर है डी एफेक्टिव होल स्क्वायर है बेटा डी टेन होल स्क्वायर नहीं है डी एफेक्टिव है देखो अब यहां पे सो व्हाट इज दिस डी एफेक्टिव व्हाट इज दिस डी इफेक्टिव समझोगे बात को ध्यान से ये डी इफेक्टिव की बात कर रहा है सो व्हाट इज दिस डी इफेक्टिव सुनोगे बात को मान लो कोई भी पार्टिकल ले लिए इज एनी रैंडम पार्टिकल इस पार्टिकल का अगर हम वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया निकाले ठीक है इस पार्टिकल का अगर हम वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया किए और उसको कंपेयर किए विथ द स्फेरिकल पार्टिकल ऑफ डायमीटर डी एफेक्टिव सच डैट द वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल पार्टिकल ऑफ द स्फेरिकल पार्टिकल इज सेम एज डेट ऑफ द गिवेन पार्टिकल तो उस केस में जो स्पेयर का डायमीटर है दट इज डीफेक्टिव इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल तो व्हाट इज दिस डी एफेक्टिव यह बात समझ में आई व्हाट इज दिस डी एफेक्टिव बात समझ में आई यस इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन तो डी एफेक्टिव क्या आप मानो कोई भी पार्टिकल मिल गया उसका वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया आपने अगर लिया हुआ है और उसका कंपेयर करो एक स्फेरिकल पार्टिकल जिसका डायमीटर डी एफेक्टिव सच डेट वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया दोनों का सेम हो तो वो है आपका डी एफेक्टिव क्लियर है बात यशवंत भाई ठीक है चलिए अगला बात करते हैं सर लॉडाउन मेथड तो ये क्या बोलते हैं भाई लॉग ऑफ लॉग ऑफ के इंटू एस एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एन ना वट इज के परमिबिलिटी एस एस इज वॉट स्पेसिफिक सर्फेस एरिया ए इज अ कॉन्स्टेंट एनी वन कैन गिवी द वैल्यू ए बराबर वन पॉइंट थ्री बी बराबर फाइव पॉइंट वन यस और नो ए बराबर वन पॉइंट थ्री बी बराबर फाइव पॉइंट वन यस और नो सही बात है क्या सही बात है क्या ए बराबर वन पॉइंट थ्री बी बराबर फाइव पॉइंट वन चलिए क्लियर है तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अगर आया तो डायरेक्ट आया वरना नहीं आया तो नहीं आया एन क्या है एन स्टैंड फॉर पोरोसिटी वॉट इज फॉर पोरोसिटी क्लियर है बात लास्ट कंसोलिडेशन मेथड लास्ट इज योर कंसोलिडेशन मेथड क्या बोलता है आप पढ़ोगे हम आगे पढ़ाएंगे सी वी बराबर के बाई एम वी गामा डब्ल्यू ये हम आगे पढ़ाएंगे आपको तो यहां से के बराबर आ जाता है सीवी एम वी गामा डब्ल्यू ये आप कंसोलिडेशन में पढ़ते मेरे दोस्त सो so, टोटली totally, अगर हम बात करें एम्पेरिकल देर आर फाइव मेथड्स जो हमने पढ़ा है लैब में बात करेंगे तो हमने दो मेथड पढ़ा है राइट right? लैब में वी हैव अबाउट द टू मेथड्स राइट एंड अगर हम बात कर रहे हैं आपका एम्पेरिकल में तो वहां पे हमारे पास पांच मेथड हमने पढ़ा है इनमें से कोई भी आपका यूज हो सकता है परमेबिलिटी को निकालने के लिए इसमें से कोई भी यूज हो सकता है परमेबिलिटी को निकालने के लिए ठीक है बात अरे बोलेगा इज द पॉइंट क्लियर टू एवरी वन इज द पॉइंट क्लियर टू एवरी वन तो क्या इससे ज्यादा कुछ परमेबिलिटी में पढ़े थे हम लोग अगर आपने पहले भी क्लास की है तो क्या इससे ज्यादा परमेबिलिटी में पढ़े हम लोग बोलो 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 हमने थ्योरी भी कर लिया हमने न्यूम्रिकल भी कर लिया दो घंटा में पूरा ओवर हमने थ्योरी भी कर लिया हमने न्यूम्रिकल भी कर लिया दो घंटा में पूरा ओवर खतम राइट इज इट मच बेटर एनी पेड कोर्स यू आर स्टडिंग ऑलरेडी इज दिस मच बेटर मतलब सब नहीं बोल रहा मतलब कुछ तो ऑब्वियसली बातें बहुत बढ़िया होते हैं है ना लेकिन इज इट मच बेटर पेड कोर्स डेट यू ऑलरेडी लर्न चलो गुड गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सो माय डियर फ्रेंड कंप्लीटेड द परम्यूबिटी कंप्लीटेड द परम्यिटी कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलिंग हेड क्या होता है अगर आप मान लो टी बराबर जीरो पे एक हेड एच वन है टी बराबर टी पे गए हेड इज एच टू टी बराबर टू टी पे गए द हेड इज एच थ्री तो इफ द टेस्ट इज कंसिस्टेंट आपका रिजल्ट सही है तो एच टू बराबर क्या बोल रहे रूट ऑफ एच वन इंटू एच थ्री बेसिक फॉर्मुला क्या है डिस्चार्ज इक्वेट कर दो यू विल गेट द आंसर ये सब आगे पढ़ेंगे बेटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन एम इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी ठीक है सब आगे पढ़ेंगे अब कल का एक सवाल था जो तुम्हारे को डाउट था कल एक सवाल था जो तुम्हारा डाउट था कितने लोग चाहते हो मैं फिर से रिपीट कर दूं या एक ओवरव्यू दे दूं सर ये कैसे हुआ क्योंकि मैं देख रहा था चैट सेक्शन में कुछ बच्चे लिख रहे थे सर कि मतलब कमेंट में देख रहा था जो कल की सर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया फिर से समझा देना तो यार एक बात समझना जनरली क्या होता है फील्ड मेथड आप हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हो हाइड्रोलॉजी में पढ़ा दिया जाएगा ठीक है फील्ड मेथड आपको हाइड्रोलॉजी इरिगेशन पढ़ा दिया जाएगा जहां पर ड्यूपेटी थोड़ी आप पढ़ते हो इन्वायरमेंट में भी होता है तो फील्ड मेथड वहां पर कवर होता है अलग से ठीक है है ना ये मेंस के लिए पर्टिकुलर बैच भैया मेरे आप जब पेट पे आ रहे हो या कहीं भी आप पढ़ रहे हो अगर आपकी प्रॉपर क्लासेस चल रही है तो मेरा मानना है कहीं भी सिर्फ गेट पॉइंट ऑफ व्यू तो कहीं पढ़ाई नहीं होता ठीक है वहां पे आपका गेट प्लस ई टेक्निकल पूरा कवर होता है मतलब जितना सिविल में मैंने देखा है ठीक है तो ऐसा भी नहीं होता कि ईएससी एसी मेन्स की पढ़ाई अलग होती है थ्योरी आपका इसकी पढ़ाई अलग होती है पढ़ाते तो हम सभी पढ़ाते हैं यार है कि नहीं अलग थोड़ी पढ़ाते हैं अब देखो यहां पे कल का जो आपका सवाल था मेरे दोस्त कल का सवाल आपका क्या था कि देर वॉज अ प्लीज फोकस यार अब यार समझो यहां पे यहां पे पानी का टेबल था राइट देर वॉज अ वाटर टेबल यहां पे अभी सैचुरेटेड अवस्था में है सम वैल्यू लेट अस से 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यों आई डोंट नो मुझे याद नहीं है क्या वैल्यू था एक रफ डाटा ले रहा हूं और ऊपर में गामा दिया होता है सम अस से 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यों ठीक है अब क्या बोल रहा है वाटर टेबल नीचे जा रहा है सवाल सुनना बात को ध्यान से सवाल सुनना बात को ध्यान से क्या बोला था क्या बोल रहा है वाटर टेबल नीचे जा रहा है तो जब वाटर टेबल नीचे जा रहा है दो अवस्था बोला एक सडन ड्रॉडाउन है तो एक बता रहे कि तुरंत बताओ क्या फर्क पड़ेगा और दूसरा बोल रहा है आफ्टर सर्टेन टाइम क्या फर्क पड़ेगा तो अगर समझो ना तुरंत अगर नीचे जा रहा है अगर पानी का टेबल लेवल तुरंत नीचे जा रहा है तो अभी भी वार्ड में क्या है पानी अवेलेबल है वाटर टेबल लेवल नीचे जा रहा है बट वो ओवरऑल एक बहुत बड़े एरिया की बात हो रही है कि वाटर टेबल लेवल नीचे चला गया लेकिन तुरंत में जो पानी वार्ड में प्रेजेंट वो नीचे नहीं जाता है वो समय लेता है इन जनरल बात कर रहे हैं सो so तुरंत में पानी नीचे नहीं गया राइट right? तो उस सिचुएशन में आपका वार्ड में अभी भी पानी भरा हुआ है तो उस सिचुएशन में जब हम गामा लेंगे वो कौन सा लेंगे गामा साइड लेंगे

क्योंकि वही सवाल और कोई सवाल तो है नहीं तो जो सॉल ऊपर में उसके बारे में दिया हुआ है वही सॉल को हमको लेना पड़ेगा इज इट क्लियर टू ऑल इज इट क्लियर टू एवरी बोलोगे ये बात समझ में आई क्या तो मेरे दोस्त अगर आप लॉन्ग टर्म बात कर रहे हो लॉन्ग टर्म में जो पहले आपका बल्क सिचुएशन में दिया हुआ था पानी के टेबल को बिना वही ले लोगे लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में बात कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा पानी ड्रेन आउट थोड़ी हो जाएगा तुरंत में उसमें टाइम लगेगा कॉन्सेप्ट ओनली कैपिलरी के केस में यूज होगा ना भैया यहां पे कोई कैपिलरी की बात ही नहीं हो रही है यहां पे पानी का टेबल सडनली नीचे जा रहा है सरचार्ज लोडिंग सरचार्ज लोडिंग इज अ डिफरेंट थिंग ठीक है क्लियर है भाई क्लियर है भाई सर पोर वाटर का प्रेशर माइनस करना पड़ेगा कि नहीं भैया पानी का टेबल अगर है और उसके नीचे तुम देख रहे हो तो माइनस करना पड़ेगा अगर पानी का टेबल नीचे चला गया और उस रीजन में बात करो तो नहीं माइनस करना पड़ेगा भैया मेरे देखो एक बात समझोगे होता क्या है मेरी बात समझोगे जब तक लेक्चर अपलोड नहीं होगा हो। क्या डीपीपी अपलोड हो सकता है बोलो यार जब तक लेक्चर अपलोड नहीं होगा क्या डीपीपी अपलोड हो सकता है हाँ जी अरे बोलो यार नहीं होगा ना नहीं होगा ना और लेक्चर कितना बजे खत्म हो रहा है ग्यारह साढ़े ग्यारह ग्यारह साढ़े ग्यारह में लेक्चर खत्म हो रहा है तो पहले क्या होगा लेक्चर अपलोड होगा और लेक्चर अपलोड होने के बाद ही डीपीपी अपलोड होगा तो हो सकता है जब डीपीपी अपलोड है तुम सो चुके होगे ऐसा भी तो हो सकता है ना तो प्लीज जाके थोड़ा देखोगे तो आपको सब मिल जाएगा यार मैंने पहले बोला कि आपके लिए पूरा जी जान लगाए हुए हम लोग कि आपको सब कुछ टाइम पे मिले है ना कभी कभी टेक्निकल एरर कारण अपलोड में लेट होता है लेकिन यार इसका मतलब ये थोड़ी अपलोड नहीं हो रहा है हाँ जी संदीप भाई कभी कभी टेक्निकल एरर के कारण नहीं होता है लेकिन ऐसा थोड़ी अपलोड नहीं हो रहा है कभी कभी हो जाता है बेटा हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर कारण अपलोड नहीं हुआ होगा लेकिन मेरा वादा है ना कि पर डे आपको डीपीपी दूंगा तो दूंगा है ना कभी कभी हो जाता है यार कभी कभी हो जाता है ठीक है हां भाई और कोई और कोई गीला शेखवा कोशिश करेंगे ये भी ना हो कोशिश करेंगे ये भी डिले ना हो आपकी भावनाओं को कदर करेंगे शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नोट्स संडे को लॉन्च कर रहे हैं बेटा शॉर्ट नोट संडे को लॉन्च कर रहे हैं लॉन्चिंग ऑन संडे तो ज्वाइन करना देखना क्या मिल रहा है शॉर्ट notes वी आर गोइंग टू लॉन्च ऑन संडे ठीक है मजा आ गया revision में ओके तो क्लास एंड कैसे होती है क्लास एंड कैसे होती है चार्ट सेक्शन कैसे हो जाता है अपना लाल हो जाता है और आग लग जाती है और हैश टैग जी डब्ल्यू सोल्जर्स भर जाता है राइट सो माय डियर फ्रेंड आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन मजा आया होगा आपको सेशन में राइट यू हैव एंजॉयड द सेशन एंड कोशिश यही करूंगा कि आपको ऐसे ही कंटेंट देता रहूं अच्छे से रिविजन होता रहे

कल मैक्सिमम बच्चे लाइव दिखने चाहिए राइट और अपने दोस्तों को भी मदद करना कि वो रैंक ला सके है ना तो सिंपल से बात है पढ़ लो चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से राइट आप कहीं से भी पढ़ के आए होगे सिलेक्शन तो आपको गेट वाला ही देगा है ना चलो तो मिलते हैं हम लोग बाय बाय टेक केयर गुड नाइट